बरनउ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिउर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रो यस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु मधुर फल जानु। प्रभु मुद्री कामिलि मुख माही जल दिलांग गए अचर जनाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे ओतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान झूलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर, रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मैं प्रेम यज्ञ समिति परिवार के श्री उमाशंकर हलवासिया जी और कथा संयोजक श्री गिरजाशंकर अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का माल्यार्पण कर परिवार के सदस्यों की ओर से उनका अभिनंदन करें। श्री उमाशंकर हलवासिया जी और श्री रामकुमार अग्रवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करना चाहूँगा श्री आशीष अग्रवाल जी और श्री गिरजाशंकर अग्रवाल जी से कि आदरणीय मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। पूज्य बापू के चरणों में एक महाकवि की इन पंक्तियों के साथ अभिनंदन कर रहा हूं अपने विशिष्ट अतिथियों का परिवार के सदस्यों की ओर से कि वाटिका में भांति भांति के अनेक नेक फूल, कि वाटिका में भांति भांति के अनेक नेक फूल, फूल फूल जाते निज गर्व अवगुमान से, कि वाटिका में भांति भांति के अनेक नेक फूल, फूल फूल जाते निज गर्व अवगुमान से, और कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, और कोई सूख जाता फूलते ही भी आवान में, और कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, और कोई सूख जाता फूलते ही भी आवान में, और पांच पाखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, और पांच पाखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, और फूल बनना है इस विधि के विधान में, और पांच पाखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, और फूल बनना है इस विधि के विधान में, और किंतु वंदनीय, और किंतु वंदनीय वही फूल है जो छोड़ जाए, ओ किंतु वंदनीय वही फूल है जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में ओ सुगंध आसमान में, बीज वसुधा में ओ सुगंध आसमान में। मैं इस शुभ अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी से कि वे हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। श्रद्धेय आदरणीय मोरारी बापू जी और सभी उपस्थित बहनों भाइयों और हमारे सम्मानित आदरणीय मौलाना कल्बे सादिक साहब, पत्रकार मित्रों, आज हमें बेहद खुशी है
कि वो तब देश की राजधानी लखनऊ में सिद्धदेव बापू जी पधारे, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे देश की परंपरा है कि संत और मुनि और समाज सुधारक हमेशा इतिहास ही नहीं सामाजिक एकता भाईचारा और देश के कुर्बानी के लिए, देश और समाज के सुधारने के लिए बलिदान और कुर्बानी देनी पड़ी तो दी है। और ये इतिहास बहुत शानदार है, लंबा है। महाराष्ट्र में चाहे संत और समाज सुधारक रहे हों, चाहे पश्चिम बंगाल रहे हों, पूरे देश में चाहे गुजरात और हमारे उत्तर प्रदेश में कबीरदास से लेकर तुलसीदास, पूरे के पूरे देश में एक ऋषि मुनियों संतों समाज सुधारों की परंपरा रही है। और आज हम अतिशयोक्ति नहीं, आज हमारे सामने बैठे सदैव बापू जी ये इतिहास बताएगा कि कबीरदास और तुलसीदास की पंक्ति में आप भी होंगे। जहाँ तक कि धर्म का सवाल है, आध्यात्मिक और धर्म दोनों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। धर्म में हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारा समाज, हमारा देश, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उत्तरदायित्व है और इस समाज को कैसे सुधारा जाए, क्या प्रेरणा दी जाए। हम इतना ही संक्षिप्त में कहेंगे कि धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है और आप जैसे महान संत इस व्यापकता को होते हुए सूक्ष्म में ही हमारे श्रेताओं को प्रेरणा देकर के यहाँ तक जाएंगे। हम जानते हैं कि आज कई तरह की हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, देश के सामने चुनौतियाँ हैं और ऐसे अवसर समाज में कुछ गिरावटें भी हैं जो हमारे जीवन के नैतिक के मूल्य बहुत बड़े हमारे संतों समाज सुधारकों ने दिए थे, उसमें गिरावट सी महसूस हो रही पूरे देश में। जो आज आप समाज के अंदर और आम जनता के अंदर स्वार्थ और अवसरवादिता, ये आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुख और सुविधा और फ्रिज खर्ची से लेकर के जो समाज में गिरावट आई है उससे आत्मीयता दूर होती चली जा रही है। हमारे देश में दुनिया के तमाम मुल्क हैं, विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं, संपत्ति है, सुविधाएं सब हैं, लेकिन बहुत सारे हम भी गए दुनिया में कई देशों में और आज भी देश में बसे हुए हिंदुस्तान के लोग जब आते हैं ये कहते हैं संपत्ति है, सुविधा है, सुख है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत आत्मीयता हमारे हिंदुस्तान में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। और इसलिए आज से लगभग सभी इतिहास में इस बात का है कि पूरा संदेश, मानवता का संदेश दुनिया को हमारे देश ने दिया है। हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श इस देश के अंदर ऐसे प्रेरणा दे के गए, इसी का कारण है कि विशाल देश है, विभिन्न परिस्थितियां हैं, भौगोलिक स्थिति और जाने कितने धर्म, कितनी जातियाँ उपजातियाँ हैं, उसको लेकर के भी हमारे इस विशाल देश को बांध के रखा है। ये सबसे बड़ा काम
हमारे ऋषि मुनि संतों ने और समाज सुधारकों ने किया है। हमें विश्वास है कम समय ज़्यादा नहीं लेंगे श्रोताओं का। अच्छा है भले ही देरी हुई है, मौसम तो कम से कम ठंडा है ही, ये भी आपके ही पुण्य से आपके ही दर्शन से हमें लगता है ऐसा प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया है। इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई हैं, जब 46 और 47 टेम्परेचर हो उसमें भी बैठे थे, लेकिन आज बैठे में आज ज़्यादा असुविधा नहीं हो रही। तो ये आस्था हमारी है। जहाँ तक रामायण का, रामचरितमानस का सवाल है, रामायण का आपको तो सब कुछ पता होगा, हम समाजवादियों ने रामायण मेला का भी आयोजन किया था और अभी वो परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा इतनी विशाल और महत्वपूर्ण ही है कि जब डॉक्टर रामन रोहिया ने सारी दुनिया के विद्वानों को बुला करके रामचरितमानस की समीक्षा कराई थी चित्रकूट में, और उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत की थी। हम भी उस वक्त शामिल हुए थे, दो बार फिर शामिल हुए हैं, लेकिन वो रामायण मेला अयोध्या में भी शुरू है और जो शुरू कराया है रामायण मेला भी पिछले साल कुछ महीना पहले हम गए थे, वो हमारे साथी और हमारे कुछ ऐसे हमदर्द हैं, उन्होंने कराया था। रामचरितमानस के माध्यम से आप यहाँ पर इस विशाल प्रदेश को, ये वो प्रदेश है जो शिव की, राम की और कृष्ण की जन्म भूमि नहीं, यही भूमि है पवित्र। गौतम बुद्ध, कबीर, तुलसीदास से लेकर सुदास, सारी की सारी ये जमीन यही है। इस संदेश से इसी जमीन ने सारे देश, सारी दुनिया को दिया है। वहाँ पर आप पधारे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा संदेश यहाँ के लोगों को देके जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश और आपका ये विशाल प्रदेश, ये पूरे के पूरे देश को एकता में बांधे हुए हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संतों ने और समाज सुधारकों ने, हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई में जगाया है, इसी तरह जगा के आप जाएंगे। और हम तो ये समझ सकते हैं, हमने हमेशा, हम जैसे साथियों ने, हमारे साथियों ने हमेशा कहा है कि हे भारत माँ, शिव का मस्तिष्क राम की मर्यादा और कृष्ण का कर्म दी है, ये हमारी भावना नहीं, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम लोग तो चल रहे हैं, लेकिन आज हमें चाहिए आपका आशीर्वाद, हमें चाहिए पूरे हमारे भाई बहनों को एक प्रेरणा देकर के, जो आज देश के अंदर अलगाव है, समाज के अंदर नफरत है, दूरियां बढ़ रही हैं, ये हमारे देश की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। ऐसे अवसर पर आकर के आप आए, हम अपनी तरफ से, पूरे इस समाज की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और हमें विश्वास है कि आप संदेश दे करके जाएंगे। आपको आशीर्वाद, आशा के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर एस कालबे सादिक साहब से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कि वे आकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। मौलाना डॉक्टर कालबे सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज होलीनेस सर्वश्री मोरारजी बापू जी और मेरे बहुत अजीज दोस्त सर्वश्री मुलायम सिंह जी यादव, हम लखनऊ के शहरियों की तरफ से श्री मोरारजी बापू का अभिनंदन
और इस्तकबाल करते हैं, इसलिए कि इस शहर का एक इतिहास है, इस शहर की एक तारीख है। इस शहर का इतिहास ये है कि इस शहर में सुन्नी शिया झगड़ा तो हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम झगड़ा इस शहर के इतिहास में कभी नहीं है। बदकिस्मती से कुछ बरस पहले उसी इलाके और एरिया में कि जहां मैं रहता हूं, हिंदू मुसलमान आपस में टकराने के करीब आ गए थे। मैं जहां रहता हूं उसके एक तरफ गोल दरवाज़ा है जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और दूसरी तरफ अकबरी गेट और नखास है जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है और बहुमत है। कुछ ऐसी गलतफहमियां हुई और अफवाहें उड़ीं कि गोल दरवाजे की तरफ से सैकड़ों हिंदू दौड़ते हुए चले इसलिए कि मुसलमानों को बर्बाद कर दें, और अकबरी गेट से सैकड़ों मुसलमान चले कि वो हिंदुओं से टकरा जाएं। लेकिन ठीक मेरे घर के सामने आते ही हिंदू अपना हिंदू होना भूल गए, मुसलमान अपना मुसलमान होना भूल गए, और दोनों को सिर्फ ये याद रहा कि हम लखनवी हैं। वो उनसे कहते रहे कि पहले आप, उनसे कहते रहे कि पहले आप, और इस तरह से हिंदू अपने अपने घरों की तरफ वापस हो गए और मुसलमान अपने अपने घरों की तरफ वापस हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जनों, हम जिस महान देश में रहते हैं, इसके एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है जिसे हिमालय कहा जाता है, दूसरी तरफ समुद्र है, इंडियन ओशन है जो बहुत गहरा है, और इसी के एक हिस्से में दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटी और वैली कश्मीर वैली पाई जाती है जो इस देश का एक अटूट अंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की बड़ाई और देश की महानता हिमालय की ऊंचाई से नहीं है, समुद्र की गहराई से नहीं है, कश्मीर की सुंदरता और खूबसूरती से नहीं है। देश की महानता उन शख्सियतों से है, उन व्यक्तियों से है कि जिनका संकल्प हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था, और जिनके विचारों की गहराई समंदर से ज़्यादा गहरी थी, और जिनके किरदार और व्यवहार की सुंदरता और खूबसूरती कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत थी। और मुझे ये कहने में कोई रुकावट नहीं है कि आज जो हमारे मेहमान आए हैं गुजरात से, मैं गुजरात से इनको जानता हूँ, इनका काम मैंने देखा है वहाँ, इनके विचारों से मैं अच्छी तरह से आगाह हूँ, इनकी तकरीरें मैंने सुनी हैं कि जब ये तकरीर करते हैं और कथा बयान करते हैं तो ये मालूम होता है एक जादू है कि जो चल रहा है। तो उन्हीं चंद गिने चुने लोगों में हमारे मुरारी बापू भी हैं कि जिससे पूरे संसार में इस देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हमारे पैगंबर साहब ने बहुत अच्छी सी बातें कही हैं, उन्हीं में से एक बात उन्होंने ये भी कही है कि कोई भी देश हो और कोई भी समाज हो, देश भी ठीक रहता है और समाज भी ठीक रहता है अगर दो प्रकार के लोग ठीक रहें। इसमें एक हैं आलिम, जिनको आप उलामा कहते हैं, ये ठीक रहें तो देश ठीक रहता है, समाज ठीक रहता है, और दूसरे पॉलिटिकल नेता, ये अगर ठीक रहें तो देश ठीक रहता है। मुश्किल की बात यह है कि आलिम बिगड़ता है तो मुल्ला बन जाता है, और मुल्ला जब बनता है तो मुल्ला बगैर लड़े नहीं रहता, मुल्ला भी लड़ने के लिए मजबूर है। मुल्ला इसलिए लड़ने के लिए मजबूर है कि हम जो कुछ खाते हैं उसका असर, उसका प्रभाव हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर पर पड़ता है। मुल्ला चूंकि मुर्गे के बगैर नहीं रह सकता और मुर्गा बगैर लड़े नहीं रह सकता, इसलिए ये मुल्ला आपस में नहीं लड़ते, ये पेट का मुर्गा है कि जो लड़ाया करता है। अब रह गई नेताओं की बात, तो नेता भी जब बिगड़ता है तो मुल्ला से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए कि मुल्ला मुर्गा खाता है, नेता बिगड़ता है तो मुर्गे का चारा भी खाया जाता है। तो हमको ऐसे नेताओं से और ऐसे मुल्लाओं से बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है।
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो खुद सुनने के लिए आया हूँ, इसलिए कि मैं गुजरात में इनको सुन चुका हूँ। बस मैं आप अंतिम में आखिरी बात आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि जब रात ढल जाती है तभी सूरज निकलता है। सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। गुजरात में जब वो रात ढल गई, जिसे खून की रात कहा जा सकता है, जिसे आग की रात कहा जा सकता है, जिसे रक्तपात की रात कहा जा सकता है, तो वो सूरज प्रेम का, वो सूरज मोहब्बत का, वो सूरज कम्युनल हारमोनी का पूरब से नहीं निकला, देश के पश्चिम से निकला है। जो सूरज पूरब से निकलता है वो पश्चिम में जाकर डूब जाता है, जो सूरज पश्चिमी से निकलेगा उसके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे मुरारी बापू जो श्रद्धा का संदेश लेकर आए हैं, जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, जिसका आज मैंने अखबारों में देखा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आज के बाद जब ज़रा मौसम अच्छा हो जाए नवंबर में या उसके बाद, फिर हम श्री मुरारजी बापू को यहाँ बुलाएंगे ताकि यहाँ के मुसलमान भी देखें कि इस धरती पर कैसे कैसे हीरे मौजूद हैं और कैसे कैसे सूरज मौजूद हैं और कैसे कैसे सितारे मौजूद हैं और कैसे कैसे चांद मौजूद हैं कि जो अपने नूर से, अपनी रोशनी से, अपनी क्रांति से पूरे देश को रोशन कर सकते हैं। मैं इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ आपका बहुत ही दिली से धन्यवाद। हमारे बीच में महुआ गुजरात से श्री सैयद मेहंदी बापू जी आए हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यादे हुसैन कमेटी के। वो पूज्य बापू जी को एक फूल का गुच्छा प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुझे तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक शेर में सब कुछ कहना है। शायर कहता है कि चले तो हवा रुके तो चांद जैसा है, कि चले तो हवा रुके तो चांद जैसा है, ये शख्स धूप में भी छांव जैसा है। आइए हम सब पूज्य बापू जी के चरणों में प्रार्थना करें कथा प्रारंभ करने के लिए। जय सियाराम। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब पूज्य बापू को दुशाला उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। Yeah.
सदा सुसान कूलर मो पर सदा कथा के छठे दिन यहां विराजित आप सभी भाई बहन उपरांत विशेष रूप से आए हमारे आदरणीय मौलाना साहब और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी और
टीवी के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मैं व्यासपीठ की ओर से हमारे आदरणीय मौलाना साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री का भी स्वागत करता हूँ। आपने व्यासपीठ के प्रति अपना आदर व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए प्यार और मोहब्बत के। और आदरणीय मौलाना साहब, जिसके साथ हमारी वैसे पुराना रिश्ता है, आपने कहा कि एक सूरज पश्चिम से निकला, पूरब से जो सूरज निकलता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन आपने जो आदर व्यक्त किया, भाव व्यक्त किया, अपना बड़प्पन आपने उजागर किया कि एक सूर्य पश्चिम से निकला जो पूर्व में अस्त नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व दिशा अस्त होने की दिशा नहीं है। लेकिन मैं तो आया हूं कि एक सूरज उत्तर प्रदेश से निकला और वो है भगवान राम, और वो दक्षिण गया और कहीं भी अस्त नहीं हुआ। मन मुस्का ही भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राम मानी ब्रह्म तत्व, राम मानी ईश्वर, राम मानी अल्लाह, जो नाम देना हो दो, क्या फर्क पड़े। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन? हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन? अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन? सर्वम खलविदम ब्रह्म। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन? अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन? अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन? अगर तू शम्मा में जलता है तो बता परवाने में कौन? चाहे जो नाम दो क्या फर्क पड़ता है, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में। तो आपने आकर व्यासपीठ पर आकर अपनी कुछ शुभ वचन कहें, यही तो एक उपाय है इस देश को जोड़ने का। मौलाना साहब, राजपीठ कितना जोड़ पाए मुझे पता नहीं, लेकिन व्यासपीठ जोड़ सकती। मुझे एक शेर कहना है साहब, सुनिए। उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने, उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारा तो संदेश एक मोहब्बत है
बस जहाँ तक जाए राम ही केवल प्रेम। फिर मैं मरहूम खुमार बारा बंकवी साहब को याद करूं, कि जिंदगी मोहब्बत है, मोहब्बत जिंदगी है, प्रेम तो एकमात्र उपाय। मैं कथाओं में और मुस्लिम भाइयों के बीच में जाता हूं, हिंदू भाइयों के, मैं तो सबके बीच में बंजारा की तरह घूमता हूं। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का। खुदा अपने बंदों की करता है निगहबानी, खुदा अपने बंदों की करता है निगहबानी। नया मंजर नया बिस्तर नया दाना नया पानी। तो ये मुझे समझ में आया है कि ये उपाय है। बहुत लड़े, बहुत संघर्ष हुआ समाज में किन किन बातों पर, छोड़ो। यदि इससे अच्छा नतीजा निकला हो तो और लड़ो, लेकिन नतीजा तो अच्छा नहीं निकला तो कम से कम किसी साधु की मानकर, किसी एक विशाल हृदय लेकर घूमते मौलाना की मान करके एक बार प्रेम का तो प्रयोग करो। वो भी सफल न हो तो फिर लड़ना शुरू कर देना। एक अवसर तो दुनिया को दिया जाए कि प्रेम से क्या होता है। दिल्ली की कथा में जामा मस्जिद के बुखारी साहब, करीब करीब असंभव जैसी बात होती है ना, वो आए और प्यार मोहब्बत का संदेश दे गए। तब मुझे वो फिर एक शेर याद आ रहा कि फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाए, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते, दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले, दिल मिला लेते। ये दिल की संगत है, ये दिल की महफिल है। आप क्यों आए हैं? दिल के कारण आए, और यही एकमात्र हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को जोड़ने का मेरी समझ में तरीका है कि आओ हम प्रेम का एक बार उपयोग करें। क्या नहीं होता। आपने अच्छा कहा कि दोनों ओर से आए और लखनऊ यदा से कहे पहले आप पहले आप, ऐसा ही होना चाहिए। आपको शायद जानकारी मिली होगी, मैं पूरे समस्त भारतवासियों के, किसी भी धर्म के कोई भी हो, सबके प्रति आदर व्यक्त करता हुआ कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने दांडी में जहाँ नमक का सत्याग्रह किया, वहाँ मैं कथा कह रहा था और कुछ मुस्लिम भाई मुझे मिलने आए, जैसे आप आए व्यासपीठ के पास आए, वो अपना आदर व्यक्त करने के लिए। और एक मुस्लिम भाई इतना भाव में आ गए कि इतने लोगों के बीच में उसने अपना कुर्ता निकाला और कहा कि बापू मेरे सीने पर आप राम लिख दो। अब सब लाइव हो रहा था, मैंने सोचा कि आपके प्यार की मैं इज्जत करता हूँ, आपके भाव की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपके बारे में कोई गलत अर्थ करे और आपको कुछ सहन करना पड़े, मुश्किल हो। लेकिन वो माने नहीं कि बापू लिख दो एक बार राम सीने पर। फिर उसकी प्रेमाग्रह के कारण मुझे लिखना पड़ा, लेकिन मैंने एक निवेदन किया था उस समय कि इस मेरे देश के इस्लाम धर्म के उपासक ने मेरे हाथ से अपने सीने पर राम इसीलिए लिखवाया है कि उसने
मेरे सीने में अल्लाह का दर्शन किया हो। एक ही उपाय है मेरे भाई बहन, में सबको निमंत्रित करता हूं, आओ हम मिलें और इस देश को और इस सुंदर पृथ्वी को सलामत रखें। दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। आपकी बस कमी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है, दिल की महफिल सजी है चले। रात तो बारिश भी हो गई, क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है, और आपने वादा निभाया है साहब। हाँ ये वैसे महुआ भी आते रहिए, मैं मेरी ओर से निमंत्रण दिया। कल मुझे मिलने आए परसों मौलाना साहब, तो कहे बापू आज तो आप हिंदू भाइयों के निमंत्रण पर आए हैं। आज आपने दोहराया भी अपने उस समय जी कि एक बार मैं प्रोग्राम बनाऊं और आप हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में। क्या सुहाना समा क्या हसी रात है, वादा करके न आना बुरी बात है, अब तो हद हो गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है। और मौलाना साहब दिल वाले दो मिले तो एक मिजलस, और दिल वगैरह लाखों मिले तो मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, इससे सिवा कुछ नहीं। ये दिल की महफिल आपने सुशोभित की है, व्यासपीठ संकीर्ण नहीं है, तुलसी सबके हैं, राम सबके हैं, परमात्मा सबका है, तो मैं उसी को गाने आया हूं जो सूरज उत्तर प्रदेश में प्रकट हुआ था अयोध्या में। लाली माँ लेकिन थोड़ा निकला उत्तर प्रदेश में, पूर्ण रूपेण उदित हुआ बिहार में, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल, पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग, यूपी में प्रकट होने की तैयारी भाई प्रगट कृपा। कौसल्या महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। तो वो सूरज ब्रह्म नामक सूरज राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो सूर्यों का सूर्य परम तत्व जिसको कोई भी नाम दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप आए इसलिए नहीं कहता, सब जानते पूरी दुनिया जानती कि मैं मेरी व्यास पीठ से अली मौला का कीर्तन कराता हूं, और ये सब इतने उदार बनकर अपने अपने कबीले में ऐसी घोषणा करना शुरू कर दे तो इस देश में क्या नहीं हो सकता। मैं हरी बोल भी बोलता हूं और अली मौला भी बोलता हूं, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा राम इतना छोटा नहीं है, अल्लाह इतना संकीर्ण नहीं है। कई लोग मुझे कहते बाबू आप खुदा अल्लाह शेरो शायरी ये और अली मौला करते हैं तो क्या कोई नाराज। अरे मैंने कहा कोई नाराज और खुशी के लिए हम थोड़े बोले हैं, हम अपनी मस्ती के लिए बोले। दुनिया तो आज खुश हो कल नाराज हो, क्या दुनिया की क्या चीज, नीचे देखकर चलो ना तो ये दुनिया कहेगी कि बस बहुत विनम्र हो गए, किसी के सामने देखते ही नहीं।
ऊपर देखकर चलो तो दुनिया कहेगी कि अहंकारी हो गए, नजर झुकाते ही नहीं। आंखें बंद कर दोगे तो दुनिया कहेगी कि मानो बड़े ध्यान में ही रहते हैं, और चारों ओर आंखें घुमाओगे तो कहेंगे आंख का ठिकाना ही नहीं। और दुखी होकर आंख फोड़ दोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही होता है। इसको कौन राजी कर सका? अल्लाह को राजी करो, सब राजी हो जाएगा। बाकी दुनिया को कौन राजी कर सका है? जगत को कोई राजी नहीं कर सकता। और जो भेद पैदा करे वो धर्म नहीं है, जो अभेद पैदा करे वो धर्म। राम का धर्म सेतुबंध है। सेतुबंध का आप सब जानते हैं ना, सेतुबंध रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ है, कई अर्थ होते हैं समास के रूप में, लेकिन रामेश्वर का अर्थ है राम का ईश्वर। राम का ईश्वर कौन? सेतुबंध। सेतुबंध मानी ब्रिज, दो दो को जोड़े, उनका नाम है राम का ईश्वर। सबको जोड़े, सबको मिलाए, सबको जोड़े। तो अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, कि मैं तो ये भी रामचरितमानस सबका। अली मौला, 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 हरि बोल, 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 हरि बोल। बात ऐसे ही प्यार और मोहब्बत का एक प्रयोग कर लो, अपनी अपनी ग्रंथियां छोड़कर, अपनी अपनी मूढ़ता और जड़ता को मिटाकर एक बार मैदान में आकर प्रेम मोहब्बत का नारा लगाया जाए। प्रेम देवो भव, 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 राष्ट्र 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 देवो भव। भगवत कृपा है इस राष्ट्र पर कि ऐसे विशाल विचार वाले अभी भी धर्म पुरुष हमारे पास हैं, जो कौम कौम को, धर्म धर्म को, जात जात को, खंड खंड को, प्रांत प्रांत को हृदय से जोड़ने की चेष्टा में है, इसकी खुशी। तो एक उपाय है, इसलिए मेरी कथा में सब सादर निमंत्रित हैं। तो सूर्य उत्तर प्रदेश में प्रकट हुआ, बिहार में उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, चित्रकूट में मध्यान्ह का हुआ। आदमी जब त्याग सीखे ना, जीवन में जब त्याग वैराग्य आए ना, तब समझना कि हमारा मध्यान्ह शुरू हुआ। एक आदमी कहे मैं छोड़ू, दूसरा कहे मैं छोड़ू, और ये छोड़ने की जब स्पर्धा शुरू हो जाए, राम कहे भरत राज कबूल करें और भरत कहे राम राज्य कबूल करे, ये त्याग की जो स्पर्धा चित्रकूट में चली वो मध्यान्ह का सूर्य था। फिर वहीं से ही सूरज निकला, आगे यात्रा किया और दक्षिण तक उसने सबको, क्योंकि दक्षिण में निशि थी, दक्षिण में निशिचर थे, और सूरज की ज्यादा जरूरत वहां होती है जहां अंधेरा होता है, इसलिए भगवान रूपी सूरज उत्तर प्रदेश से निकला और दक्षिण में गया, जहां उसने और अस्त नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, ऐसी राम कथा जो सार्वभौम है, हम अजमेर में थे तो हमने सब्जेक्ट ही उठाया था मानस गरीब नवाज,
तब भी मेरे पास कुछ चर्चाएं आई कि बापू आप गरीब नवाज शब्द को क्यों उठा रहे हैं। मैंने कहा मानस में लिखा है इसीलिए उठा रहा हूँ। तुलसी ने गरीब नवाज शब्द का प्रयोग किया है इसलिए उठा रहा हूँ। इतने संकीर्ण क्यों होते हैं वो प्रमाण सुनिए। गरीब हो रे गरीब नवाज, गरीब हो रे गरीब नवाज, सरल सबर साहिब रघु राजू, सरल शहनशाह अकबर के दरबार में एक आदमी हिंदू था जिस कई लोग थे इनमें एक टोडरमल था, बड़ा पंडित पहुंचा हुआ आदमी था, सलाहकार भी था, मंत्री भी था, दीवान भी था। आखिर में अकबर ने एक बार निवेदन किया टोडरमल मेरा गुरु भी था। जब जब अकबर शहनशाह अकबर चाहते थे तो किसी न किसी वैष्णव साधु को वृंदावन से टोडरमल बुलाते और अकबर के सामने कृष्ण माधुरी के पद सुनवाते। अकबर के मन में एक बात बैठ गई थी तब से कि काना के बिना क्या गाना, काना के बिना क्या गाना, काना के बिना क्या गाना, ऐसी रूप माधुरी उसमें बैठ। एक दिन टोडरमल ने कहा कि आपसे मैं बहुत बैठा आनंद आया। मौलाना साहब आज देश में सबसे बड़ी कटोकटी इमरजेंसी ये है कि बैठे किसके साथ, सबसे बड़ी मुश्किल है तो किसकी संगत में बैठे। कोई कोई मिलते हैं जिसके पास बैठने से आनंद आता, आप भी सोचिएगा बैठना कहाँ, यही समस्या पैदा हो गई। और मेरी राय है आपको सोच समझ कर बैठना। शेर और श्रृगाल दोनों अमेरिका गए, उसको वीजा मिल गई, वो गए न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर, दोनों उतरे शेर और श्रृगाल और सीधे दोनों टैक्सी करके अमेरिका का वो न्यूयॉर्क का वो बहुत समृद्ध विस्तार मैनहट्टन वहाँ गए एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए गए। तो सियाल जो था उसने अपने लिए रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया कि 200 ग्राम पकौड़ी लाओ, ये लाओ नाश्ते के लिए उसने ऑर्डर किया। तो ये श्रृगाल जो था वो अपने लिए सब मंगवा रहा, शेर जो बैठा है उसके लिए कुछ नहीं मंगवा रहा। तो वेटर ने पूछा कि आप आपके लिए सब मंगवाते हैं, अंकल के लिए कुछ क्यों नहीं मंगवाते, आप ही भूखे हैं, वो भूखा नहीं है। तब सियाल ने कहा वो भूखा होता ना तो कब का मेरा नाश्ता हो गया होता। तृप्त लोगों के पास बैठना, भूखे लोगों के पास मत बैठना, वरना कब समाज का शोषण हो जाए क्या पता। ऐसे लोगों के पास बैठो जहां हमारी श्रद्धा, हमारी संस्कृति, हमारा भाईचारा, हमारा अखंड भाव, हमारा बंधुत्व, हमारी एकता मजबूत बने पोषी। सबसे बड़ी कटोकटी है बैठना किसके साथ। टोडरमल को कहता है अकबर मेरी सदनसीब है कि आप जैसे एक विशाल हृदय के साथ मुझे बैठने को मिलता है। काना बिना क्या गाना, काना बिना एक एक धूम। फिर टोडरमल कहते मुझे तीर्थ बहुत रोकते हैं लेकिन नहीं रहा। और कहते हैं कि अकबर को भी अच्छा नहीं लगा, उसके साथ ऐसी मोहब्बत थी उसकी।
फिर वो पत्र लिखते थे, लिखते हैं, लिखवाते हैं कि आप आ जाओ, मोहब्बत के खातिर आ जाओ। बोले अब मैं वैराग में जीना चाहता हूँ, शहनशाह आपने मेरी बहुत इज्जत की, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन अब मैं हरि की भजन भजन में डूबना चाहता हूँ। तीन मंत्रियों के पास एक बार चिट्ठी तैयार करवाई और कहते हैं कि अकबर ने जब पढ़ी कि क्या लिखा, उसको साइन करना था, तब टोडरमल को याद करते अकबर की आंखों से दो तीन दृग बिंदु टपके चिट्ठी और शाही के लिखे शब्द जरा वो हो गए, चिट्ठी गई। शहनशाह की इस प्यार भरी पत्रिका पढ़कर टोडरमल अपना निर्णय बदलता है, मैं आऊंगा। लेकिन एक बार संकल्प था कि बस अब वैराग में जीना है, और एक बाजू शहनशाह का मोहब्बत का संदेश था कि आप आइए, वो लौटते हैं। इतिहास गवाह है साहब, 10 दिन अकबर के पास रहे, 10वें दिन उसने प्राण त्याग कर दिए। ये प्यार और मोहब्बत की महफिलें इस देश में होती थी, उसी देश में धर्म के नाम पर, नात के नाम पर, जात के नाम पर। अच्छा है कि नफरत से भरे इस जंगल में कोई इंसान की खुशबू आती है। अभी कहां बैठो आप लोग? तो बात तुलसी ने यदि गरीब नवाज शब्द का प्रयोग किया, टोडरमल थे हिंदू, तुर्की लिबास में रहते थे, लिबास तुर्की रखते थे। हमारी वैष्णव परंपरा में, आचार्य परंपरा में, आचार्य के बालक वृंद भी ऐसे लिबास में रहते थे, एकता करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए। आप मूल मूल आचार्य चरणों की गृहस्थ परंपरा वा ड्रेस देखिए साहब, लिबास वो है, या तो भाषा से, या तो वेश से, या तो भाव से जोड़ने की कोशिश इस देश में हुई। तो गरीब नवाज, तो हमने वहां वो विषय उठाया था, ये करना चाहिए भाई। गुजराती में पंक्ति है, तारी हाँक सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने। ऐसा एक विनम्र प्रयास है व्यासपीठ का कि समाज में सेतु बंध रामेश्वर हो, सब जुड़े, सब एक हो। तो इन पंक्तियों को मैं गाना चाहूंगा। गई बहोरी गरीब नवाज, गई बहोरी, तुलसी की चौपाई है ये, गरीब नवाजु सरल सबल साहिब रघुराजु, सरल सबल साहिब रघुराजु, नाम अनेक गरीब निवाज, नाम अनेक गरीब निवाज, लोक बेद बर बिरद बिरा, भगवान राम ने सेतुबंध किया था, उसके कदमों पर कई संतों फकीरों ने सेतुबंध का प्रयास किया, व्यासपीठ भी उसी प्रयास में और आप भी उसी प्रयास में हैं, इसलिए आपका स्वागत है। आइए कथा का प्रसंग उठा। मानस लक्ष्मण लक्ष्मण,
एक आचार्य का आचार के पीछे चलने वाला रूप, आचार्य का दार्शनिक रूप, आचार्य का शास्त्रार्थ करने वाला रूप, आचार्य का त्याग भरा रूप और आचार्य का उपदेशक रूप, इतने रूप की चर्चा मानस के आधार पर व्यासपीठ ने की। अब आचार्य का एक छठा आगे का रूप है, जहां से सत्य मिले वहां से स्वीकारने की वृत्ति। भारत का बहुत सनातन वेद ऋग्वेद कहता है, भारत के वेदों की ये घोषणा है, वेदों ने ये कहा है कि हमें जहां से शुभ विचार प्राप्त हो, आनो भद्रा कृतवा कह करके दसों दिशाओं से, और आदमी को सभी बारियां खिड़कियां खुली रखनी चाहिए साहेब, सत्य जहां से मिले, जिससे मिले, जब मिले, जितनी मात्रा में मिले, पूर्वग्रह छोड़कर ले लो, कुरान से मिले तो वहीं से ले लो, रामचरितमानस से मिले तो वहीं से ले लो। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि एक मानव धर्म, मैं फिर एक बार कल भी मैंने ये शेर पढ़ा था, राजेश रेड्डी का शेर है, गीता हूं कुरान हूं मैं, गीता हूं कुरान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं, गीता हूं कुरान हूं मैं, मुझको पढ़। लेकिन ऐसी बातें करने वालों को मौत मिली, लोग समझे नहीं, लोग मूड ऐसा। मोहम्मद साहब को हिजरत करनी पड़ी, हुसैन को करबला में कितने के साथ शहीदी स्वीकार करनी पड़ी, जिसने सत्य घोषित किया, जीसस को शूली मिली, शरमत को सर कलम हुआ, मंसूर चढ़ गया सत्य के कारण, सुकरात को जहर पीना पड़ा। ये दिल्ली के शायर विज्ञान व्रत का दो शेर सुनिए साहब, कवि का नाम है विज्ञान व्रत, छोटी बहर की गजलें, बिल्कुल छोटी छोटी पंक्तियों में लिखता है कवि। आखिर उसको मौत मिली, विज्ञान व्रत कहते, आखिर उसको मौत मिली, परिणाम में मौत आई, मरना पड़ा, क्यों? आखिर उसको मौत मिली, सच कहना था क्या करता, क्योंकि सत्य कहना था, लोग जो भी सोचे क्या करता, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, सत्य कहना था, आखिर में मौत मिली, कबूल कर ले, आखिर उसको मौत मिली, सच कहना था क्या करता। वैसे तो वो सुकरात न था, वैसे तो सुकरात न था, सोक्रेटिस ने जहर पिया, ये सुकरात नहीं था, कवि कहता है, वो तो सुकरात था लेकिन जिसने पिया है वो सुकरात नहीं था, दूसरे एक सूफी के लिए कह रहा है, एक क्रांतिकारी महापुरुष के, वैसे वो सुकरात न था लेकिन जहर बचा था क्या करता, थोड़ा बच गया था तो चलो हम भी उसको पी ले, आखिर उसको मौत मिली, सच कहना था। मजा देखा मियां सच बोलने का है मियां, शेर सुनिए साहब, मजा देखा मियां सच बोलने का, सच बोलने का मियां मजा देखा कि क्या दशा होती है, मजा देखा मियां सच बोलने का, जिधर तू है उधर कोई नहीं है, अकेली यात्रा करनी पड़ती है, सत्य के उपासक के पास भीड़े नहीं होती, वहां तो शंकराचार्य कहते हैं एकांते सुख मास्यता, मजा देखा मियां सच बोलने का, जिधर तू है उधर। नवाज साहब देवबंदी जी का ये शेर है। तो अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, पूरे दिल से ये कोशिश होनी चाहिए राष्ट्र सबकी ओर से, तो क्या नहीं होता। एक फकीर और एक संत मिल जाए ना तो खुदा को भी उसकी माननी पड़े,
जमाना क्या, ईश्वर भी उसको बात मान लेते हैं, लेकिन दूसरे रूप में जो लोग पेश होते हैं उसकी कोई नहीं मानेगा। सच्चा फकीर, सच्चा कोई साधु, और ऐसा प्रयास राष्ट्र में हो रहा है, इसकी मुझे भी बड़ी इस सगुण है राष्ट्र के लिए। और क्या है ये, अच्छा। और कभी न कभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे ही होगा, जब भी होगा ऐसा करना। और क्या, हमको तो कश्मीर में जाना है कथा करने, भगवान मौका दे तो पाकिस्तान में भी जाना है कथा करने, सबको मिलना है हमको, मौका दे तो। मालिक उम्मीद पूरी करे तो ठीक, न करे तो हो ही सोई जो राम रची राखा, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, उस पर डाल देते, करवा तो करेंगे, न करवा तो तेरी इज्जत का मामला है। हमारे मजबूर साहब कहते हैं, हर देश का अंबर नीला है, दुनिया के सभी देश का आसमां एक, हर देश का अंबर नीला है, हर आंख का आंसू गीला है, हर धर्म में नेकी बसती है, और हर धर्म में धंधे भी होते हैं। लेकिन एक शायर को यदि सच पूछो तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, बाकी तो सब अच्छे होते हैं, कुछ लोग। तो ऐसे सगुन, ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो बाप, हम अपनी जगह से प्रयास करें कि सब एक बने, सब नेक बने। हाँ, आदमी केवल एक बने और नेक ना होना तो अभियान पूरा नहीं होता। एक बनना और भीतर से नेक बनना, एकता और नेकता दोनों मिले तभी क्रांति घटती। तो राम कथा के द्वारा यदि ऐसा कुछ जितनी मात्रा में हो तो प्रभु की कृपा है, और क्या, उनकी कृपा है। तो श्री लक्ष्मण जी के चरित्र का हम दर्शन करते हैं, सत्य जहां से मिले लो। हम आचार्य हो गए, हम किसी से कुछ न सीखे, इस आचार्य का लक्षण नहीं है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, इसलिए एक बार पंचवटी में बैठे और भगवान राम का एकांत देखकर लक्ष्मण जी ने सोचा, जो कल की कथा में गुहराज के सामने लक्ष्मण गीता का गान करता था, वो आज राम को देख करके लक्ष्मण जी उससे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके सत्य जानना चाहते। आचार्य का ये भी एक रूप है, केवल उपदेशक रूप नहीं, जिज्ञासु रूप, कि सत्य जहाँ से मिले वहाँ। तो ये पंचवटी वाला प्रसंग भी मैं संक्षेप में आपको कह दूं, क्योंकि आचार्य का लक्षण है मेरी दृष्टि में, कि जहां से अच्छा मिले लो। एक छोटे किसी भी व्यक्ति में कुछ न कुछ तो अपने उपयोगी होता है, दरवाजे बंद मत कर दो। हमें क्या जरूरत, हम किसको क्यों सुने, हमें क्या, हम तो सब जानते। ऐसा जो दरवाजा बंद करे वो गलत, वो घाटे का सौदा कर। राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, उनके मकान का कोई दरीचा खुला न था। करे क्या, लोग दरवाजा बंद कर बैठ चुके हैं, कोई आवाज तो सुने। उनके मकान का कोई दरीचा खुला न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई रास्ता न था, हम उस तरफ चले थे जहां कोई रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पा न था, हम उस तरफ चले थे जिधर रास्ता न था। लोग अपने संकीर्णता के दरवाजे बंद करके बैठे। सत्य जहां से मिले लो, जिससे मिले लो। सत्य लेने के समय मुहूर्त मत देखना कि कौन सा दिन है,
पंचांग और ज्योतिषी को मत पूछना, जब भी मिले लो और जितनी मात्रा में हम पचा पाए ले लो। लक्ष्मण जी का ये आचार्य रूप प्रकट हो रहा है। पंचवटी गोदावरी नदी का तट। एक वस्तु समझ लो बीच में, दुनिया में नदियां तो बहुत होती हैं, लेकिन हर नदी का स्वभाव गोदावरी ही होता है। गंगा बड़ी पवित्र नदी, सरजू, जमुना, कृष्णा, कावेरी, जगत भर की नदियां ले लो, इनके नाम भिन्न है, इनकी महिमा भिन्न है, उनका देश भिन्न है। किसी का बहाव ज्यादा, किसी का कम, ये भी भिन्न होता। अरे रंग भी भिन्न है, यमुना काली है, गंगा गोरी है, सरस्वती गुप्त है। तो नदियों के रूप, रंग, देश, काल, जलराशि ज्यादा कम, ये सब होता, लेकिन हर नदी का स्वभाव गोदावरी ही होता है। कोई नदी गोदावरी बिना नहीं हो सकती। पंचवटी गोदावरी में गोदावरी का अर्थ होता है अपनी गोद में सबको समाले, उनका नाम है गोदावरी। और हर नदी का लक्षण गोदावरी होता है। किसी भी नदी के तट पर जाए तो वो पूछती नहीं कि तू राजा है कि रंक है, तू हिंदू है कि मुसलमान है, तू गरीब है कि फला है, तू पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, तू पैसे वाला है। नदी किसी को वो नहीं कहती, उनकी गोद सबके। इसलिए नदियों को लोकमाता कही, गोदावरी। और एक सूरज का ऐसा स्वभाव है कि किसी का घर हो, कोई मुलक हो, सब कोई अपनी रोशनी सबकी गोद में डालता रहता है। तो बाप गोदावरी के तट पर पंचवटी है, सबको समाहित करने वाली नदी है। और ये विचार रखा था दक्षिण के महापुरुष कुंभज ऋषि ने। हे प्रभु परम मनोहर अपावन पंचवटी तेहि नाम। अगस्त ऋषि कहते हैं राम जी को, जब राम जी ने पूछा कि महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे राक्षसों का नाश हो, मैं सूरज बनकर निकला तो हूं दक्षिण की ओर, लेकिन ये निशि ये रात्रि का कैसे समापन हो, आप कोई मंत्र बताओ। तब कुंभज जी कहते हैं प्रभु एक परम मनोहर ठाव है, पावन है। देखिए पंचवटी की क्या महिमा गाई एक पंक्ति, परम मनोहर स्थान और फिर कहा पावन, नाम है पंचवटी। आप रघुकुल में आए हैं, आप वहां जाकर निवास करें, पंचवटी में आप जाइए। ये पंचवटी परम मनोहर पवित्र क्या मतलब? पंचवटी का अर्थ मेरी व्यासपीठ ने किया है, पंच तत्व का ये देह यही पंचवटी है और ये परम मनोहर है। बड़े भाग मानुष तनु पावे, बड़े भाग मानुष तनु पावे, मनुष्य देह जो मिला है परम मनोहर है। सोई पावन सोई सुभग सरीरा, सोई पावन सोई सुभग सरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं ये शरीर पवित्र है, ये परम मनोहर पंचवटी है। यदि इंसानियत से जिए, हरि को भजे, प्रभु को सिमरे, तो पंचवटी मानी हमारा पांच तत्व का ये देह।
खुदा है खरा दी अकल उसमें जादी, वो आदि अनादि का कर्ता कहाया। परमात्मा खुदा खुदा है, खुदा खिलौना बनाने वाला है, सबको बनाता है। खुदा है खरा दी अकल उसमें जादी, उसमें बहुत अक्ल है। हम लोग सोचते हैं हमें ही ज्यादा, आज तो छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी अक्ल है। एक एक ईसाई धर्म गुरु बाल शिविर चला रहा था, तो सप्ताह में एक बार साहब वो उसको सबको शिक्षा सिखाता था अपने धर्म के बारे। तो एक बार उसने कहा कि भगवान सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब में परमात्मा निवास करता है, कोई जगह खाली नहीं है उनके बिना। तो सबने कहा साहब धर्मगुरु आप कहते हैं वो तो ठीक ही है, सब में परमात्मा। तो बोले आप मानते हो तो सब अपना हाथ ऊपर उठाए। तो जितने छात्र बैठे थे बच्चे वो सब ने हाथ उठाए, लेकिन एक ने नहीं उठाया। तो धर्मगुरु ने कहा तुझे कोई आपत्ति है? बोले फिर से पूछिए कि परमात्मा सब जगह है तो कबूल नहीं होता? बोले कबूल हूं लेकिन बाद में कबूल हूं, पहला खुलासा करो। क्या? कि भगवान सब जगह है ऐसा आप प्रतिपादन करते हैं, तो मुझे जवाब दो मेरी जेब में है भगवान? अरे ना समझ ऐसी शरारती दलीलें करता नहीं बोले, बताओ ना भगवान सब जगह है? बोले सब जगह, तो मेरी जेब में है? अब उसने कहा कि जेब में भी है। तब उसने कहा मेरे कुर्ते में जेब ही नहीं है। लोग ऐसे तर्कों में एक दूसरे के खंडन में पड़े हैं। सिद्धांत ये दो वस्तु समझ लीजिए, सिद्धांत सिद्ध करना पड़ता है, शास्त्रीय नियम है साहब, जो सिद्धांत होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है, और साधन है उसको समझाना पड़ता है। सिद्धांत समझाया नहीं जाता, कैसे भी सिद्ध करना होता है। और साधन भक्ति के साधन कहूं बखानी, वहां बखान, और सिद्धांत की बात आई तो थोड़े महसब कहूं बुझाई। सिद्धांत सदा सिद्ध करना होता है मानसकार कहते हैं, और साधन उसका विस्तार करना होता है। ये नियम है मानस शास्त्र का। तो मेरे कहने का मतलब बाप, ये पंच भौतिक शरीर जो परमात्मा ने खिलौना बनाने वाला ईश्वर जो कण कण में बसता है, खुदा है खरा दी अकल उसमें ज्यादी, उसमें बहुत बुद्धि है। खुदा है खरा दी अकल उसमें ज्यादी, वो आदि अनादि का कर्ता कहाया। पवन आग पानी सु मिट्टी मिलानी, रुदम की निशानी आदम बनाया। किया कान नासा चश्म का खुलासा, जुबा का खुलासा जो दो कलमा पढ़ाया। मुरादम कहे जो सही करके देखा, तो खुदा ने किया सो अकल में ना आता। नेति नेति क्या सुंदर बनाया है शरीर, ये पंचवटी है, पंच तत्व का शरीर पंचवटी है। तुलसीदास जी ने मानस में इस पंचवटी का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां पंचवटी का अर्थ होता है वहां पांच प्रकार के वृक्ष है। इसके दो अर्थ है, एक अर्थ है पांच वट थे, ये भी एक अर्थ है। एक अर्थ ये है कि पंचवटी में पांच प्रकार के वृक्ष हैं, वो पांचों बिलग बिलग है। एक वृक्ष है पीपल का, एक वृक्ष है वट का, एक वृक्ष है आंवले का, आंवले का वृक्ष एक वृक्ष का, एक वृक्ष है अशोक, अशोक वृक्ष है, और पांचवा वृक्ष है बिल्वपत्र, बिली का। पांच वृक्षों की पंचवटी थी। पीपल का वृक्ष माया का प्रतीक है, संसार बिटप नमाम है, अश्वत्थ ये माया का प्रतीक है,
संसार माया का। पीपल का वृक्ष माया का प्रतीक है, बट का वृक्ष पक्के ज्ञान का, पक्के विश्वास का प्रतीक है। बिल्व पत्र का वृक्ष वैराग का प्रतीक है कि अपनी शाखा से छूट जाना और किसी शिव के शिर पर चढ़ जाना, ये वैराग का प्रतीक है। बिल्व पत्र ये वैराग का प्रतीक है। अशोक वृक्ष वो भक्ति के निवास का वृक्ष है जहां जानकी जी विराजमान होती है, ये जानकी के उसका वो। और आंवले का वृक्ष भेद का वृक्ष है। ये पांच वृक्ष के पंचवटी में पांच प्रश्न पूछा, ज्ञान वैराग्य माया ईश्वर जीव का भेद और भक्ति क्या है, पांच वृक्षों को प्रतीक बनाकर गोस्वामी जी ने पांच प्रश्न पूछवाए। तो ये पावन पंचवटी मानव शरीर है बाप, इसी शरीर में जहां से सत्य मिले, जिधर से पाया जाए शुभ वस्तु, वो हमें लेनी चाहिए। सब लेने की जरूरत नहीं, जितना शुभ हो इतना ले लें, सीधी सी बात है। आप शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल वो हो तो क्या पूरा शॉपिंग सेंटर खरीद कर लाते हैं? बाकी का जो पड़ा पड़ा, हमें क्या ले, हमें जो चीज चाहिए वो ले लें। वैसे हर धर्म से जहां से शुभ सत्य प्राप्त हो आदमी को ले लेना चाहिए। इस प्रसंग, इस आचार्य स्वरूप का ये निरूपण यहाँ है। तो लक्ष्मण जी एक बार पंचवटी में भगवान राम विराजित है, यहाँ सीता जी नहीं है। राम और लक्ष्मण का जब संवाद शुरू हुआ ना, तब सीता जी नहीं है। अभी सीता जी का अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन खबर नहीं आज सीता जी नहीं है। कई बार मानस में ऐसा हुआ, चित्रकूट में राम और सीता बैठते हैं तब लक्ष्मण नहीं है, ये फल फूल लेने गए और ये लोग श्रृंगार पे पड़े। आज पंचवटी में राम और लक्ष्मण है, जानकी नहीं। कहाँ गई जानकी? तुलसीदास जी उसकी उपस्थिति का स्मरण नहीं कर रहे हैं। कहाँ गई? मान लो कि कुटिया में कुछ काम करती होगी, फल फूल ठीक करती होगी, या तो कोई पशु पक्षियों के साथ कहीं आश्रम में, या तो कोई पौधे को सींचती होगी, या तो गोबर लेकर वेदी का लिंपन करती होगी, जो हो। लेकिन केवल भगवान के नाम का उल्लेख है। तुलसी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलीना, लक्ष्मण वचन एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन लक्ष्मण लिखा है। एक बार भगवान सुखासन में बैठे, लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु बिल्कुल सुखासन में बैठे हैं, तो अवसर पाकर लक्ष्मण वचन कहे चलीना। क्या संकेत है इसका? कोई योगासन में बैठा हो ना, तो उसी समय उसके पास मत जाना, क्योंकि उसको विक्षेप होगा। कोई वीरासन में बैठा है, उस समय उसके पास मत जाना, कहीं आपके पर प्रहार न हो जाए। कोई भजन में बैठा है, उस समय मत जाना, उसकी साधना बंदगी में विघ्न होगा।
अपने सदगुरु के पास कब जाना, जब वो सुखासन में बैठा। कितने कितना अद्भुत मार्गदर्शन है। किसी से सत्य पाना है, सत्य की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अपने सदगुरु के पास, अपने परम के पास, अपने मुर्शिद के पास कब जाएं। अब कई कोई लोग वो योग करता है तब जाकर केम छो, ये विवेक नहीं। कोई विरासन में बैठा है तब नहीं, कोई सिंहासन पर बैठा है और कोई राजनैतिक चर्चा करते हैं तो उसी में जाकर डिस्टर्ब मत करो। सत्य की प्राप्ति करने के लिए जब सदगुरु सुखासन में बैठा है, एक बार प्रभु अपनी जिज्ञासा जब पेश करनी हो, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। जब शंकर भी सुखासन में बैठे थे तभी पार्वती ने जिज्ञासा की, आज राम जी सुखासन में बैठे। लक्ष्मण बचन जानकी जी का एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन के अरे साहब किसी से कुछ जानने की एक विधा होती है, एक मर्यादा होती है, यहाँ तो मर्यादा कोई दिखाई नहीं देती है। लक्ष्मण बचन कहे चलही, पूछने वाले को बचन कहना होता है, पूछने वालों को तो विनती करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है कि आप हमको समझाइए। लेकिन लक्ष्मण बचन और गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी आज छलहीन वचन बोले, तो अब तक वो छल वाले वचन बोलते थे, क्या अर्थ करो उसका। पंक्ति बड़ी अद्भुत है, आज लक्ष्मण जी छल से मुक्त वचन बोल रहे, तो इससे पहले वो छल वाले वचन बोलते थे, इसमें छल था। और भगवान को तो मोही कपट छल छिद्रन भावा, लक्ष्मण जी सदा सदा सत्य ही बोलते थे, लेकिन कभी क्रोध मिश्रित सत्य बोलते थे, इसलिए वो वचन इतने पवित्र नहीं रहे। आज बिल्कुल पवित्र वचन लक्ष्मण बचन कहे चल, किसी से सत्य पाने के लिए जाए तो जिज्ञासा के वचन छल मुक्त हो। सदगुरु को नापने के लिए नहीं पूछा जाए, उससे कुछ पाने के लिए पूछा जाए। जब साधक की जिज्ञासा छल मुक्त हो, कभी कभी लोग प्रश्न भी इससे पूछते हैं कि उसका जरा नाप ले लें कि कहां तक है। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, और आगे बोले लक्ष्मण जी सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, देवताओं के नायक है। पहला शब्द सूर है, पंचवटी एक ऐसी जगह है वहां देवता आते नहीं थे, चित्रकूट में देवता आते थे लेकिन पंचवटी में देवता नहीं आते।
क्योंकि पंचवटी में राक्षस राज रावण के इतने डेरे थे कि वहां देवता फरक नहीं सकते थे, इसलिए पंचवटी की पर्णकुटी राघव ने अपने हाथ से करनी पड़ी। बाकी हर जगह देवता कभी गुफा बना देते हैं, कभी कुटिया बना देते हैं, लेकिन यहां नहीं आए। फिर भी लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप देव नायक हैं। सुर नर मुनि सचराचर साईं। अब ये तुलसीदास जी साईं शब्द प्रयोग कर रहे हैं। साईं शब्द कहाँ का है? साईं माने स्वामी, और साईं शब्द पूरे इस्लाम परंपरा ने उठाया है। साईं है, साईं फकीर है, साईं साईं बाबा है, साईं साईं शब्द। फिर उसको गो लगा दो तो गो साईं हो जाता है, लेकिन साईं माने मालिक। सुर नर मुनि सचराचर साईं। भगवान ने पूछा लक्ष्मण जी को, तू मुझे देवता का नायक क्यों कहता है? बोले देवता ही कहते हैं, मैं नहीं कहता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता। आप देवताओं के नायक है, मनुष्य के पीड़ा को हरने वाले हैं आप। मुनियों को आपने पंचवटी में आकर निर्भीक कर दिया है, शांति से सब महात्मा घूम रहे हैं। आपने पंचवटी में आकर जो वो किया, सब स्वतंत्र रूप में भयमुक्त मुनि घूम रहे हैं। लेकिन लखन जी संकीर्ण नहीं है। ईश्वर को देवताओं का नायक, मुनियों का मनुष्य का उद्धारक और मुनियों के कष्ट भंजक बताने के बाद लक्ष्मण जी को लगा कि क्या भगवान इतने का ही है? बोले नहीं, सचराचर साईं, आप चर अचर सबके हैं। अब ये सब क्या? बोले आप सबके हैं, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु के। यहां निजता है, आप है तो सबके। देखो भाई, एक सम्राट होता है ना, वो पूरे राष्ट्र का होता है, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ खास होता है। राष्ट्र का प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का होता है, राज्य का सीएम पूरे राज्य का होता है, लेकिन इनके बेटे का वो कुछ और होता है। मैं पूछा हूं निज प्रभु की नाई, आप तो सुरनायक है, मानव उद्धारक है, मुनि कुल तारक है, चर अचर सबके आप है, लेकिन मैं आज आपको इस रीत से पूछता हूं कि आप मेरे प्रभु हैं। भगवान ने कहा कि ये प्रभु की नाई पूछता है तो ऐसा तू बोलना, सच में तो ऐसा बोलना चाहिए। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज दास की ना। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। किसी से जिज्ञासा करो तो शिष्य बनना पड़ता है, दास बनकर पूछा जाए। चौपाई में भी कविता में भी मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ हो सकती थी इसमें। कविता में छंद प्रबंध हमारा विषय ही नहीं, लेकिन चल सकता था। मैं पूछूं निज दास की नाई, लेकिन दास शब्द प्रयोजित नहीं किया। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। भगवान ने पूछा तू प्रभु शब्द का क्यों प्रयोग करता है? लखन ने कहा मैं दास बनकर पूछा ना, तो दास कितना ही महान क्यों ना हो, कोई ना कोई कमियां तो होती ही है, कुछ ना कुछ कमियां होगी, और इस कमियों के कारण मैं ठीक से आपको पा नहीं सकूंगा। घड़े में कुछ छिद्र होगा तो पानी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रभु तो सर्वसमर्थ होते हैं। मेरा दासत्व मत देखना, आपका प्रभुपणा देखकर मुझ पर बरस जाना। मैं तो छिद्र वाला घड़ा हूं, पात्र हूं भी न भी, लेकिन आप प्रभुता वाले हैं, समर्थ हैं,
गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां मुझ पर पूरा बरसवा। इसलिए कहते हैं मैं पूछहू निज प्रभु की नाई, मुझे कुछ जिज्ञासा है, मुझे कुछ सत्य पाना है। दो भाई बैठे हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है और फिर आगे बोले चरण रज सेवा सब तजी करो, चरण रज सेवा कहूँ ज्ञान विराग मुझे वो तत्व समझा कर बताओ क्यों। सब तज करो चरण रज से, आप मुझे वो तत्व समझा दो ताकि मैं सब कुछ छोड़कर चरण रज की सेवा करूं। ये निवेदन बिल्कुल गलत कर रहे हैं लखपत। पाना है सत्य और ऊपर ऊपर से देखा जाए तो निवेदन असत्य चल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सेवा करना। लक्ष्मण जी ने छोड़ने में क्या बाकी रखा है? अब बोलता है सब कुछ छोड़ो, क्या बाकी है? निंद नारी तजे अन्न जल निश दिन करोड़ जुग संभले तप तावे। मां छोड़ी, बाप छोड़ा, पत्नी छोड़ी, कोष धन दौलत सब कुछ छोड़ा इस महापुरुष ने। लेकिन आज कहते हैं सब त्यजी। प्रभु ने पूछा तेरा सब त्याग में कोई कमी है? बोले प्रभु आदमी सब छोड़ दे लेकिन पूर्ण रूप में वैराग ना आए ना तब तक सब त्यजना असंभव नहीं। मैंने छोड़ा है सब लेकिन मुझे वैराग के बारे में जानना है। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, मुझे ये पहचानना है कि वैराग का सत्य क्या है, ज्ञान का सत्य क्या है, भक्ति का सत्य क्या है, जीव ईश्वर के अंतर का सत्य क्या है और माया क्या है। अब कहते हैं चरण रज सेवा, लक्ष्मण जी ने सेवा करने में कौन कमी बरती है? तो कहते हैं आप मुझे इतना बता दो ना प्रभु, तो फिर सब कुछ छोड़कर चरण रज की सेवा, चरण की नहीं चरण रज की। अब रज की सेवा कैसे हो? चरण की सेवा हो सकती है, चरण की पादुका की सेवा हो सकती है, किसी का चरण धो लो, किसी के चरण की सेवा करो, पूजा करो, पादुका रखो। लेकिन तुलसी तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने आज बड़ी क्रांतिकारी बात, चरण रज सेवा। क्योंकि मैंने आगे भी निवेदन किया कि लक्ष्मण को पादुका तो नहीं मिली, पादुका तो भरत ले गए। किसी भी ऊर्जावान व्यक्ति की समग्र ऊर्जा शक्ति उनकी पादुका में उतरती है। हमारे देश में किसी पहुंचे हुए महापुरुष की खड़ाओं को हम क्यों शिरोधार्य करते? ऊर्जावान व्यक्ति की समग्र ऊर्जा उनकी पादुका में आ, इसलिए पादुका बहुत महिमावंत इस देश में मानी गई। तो भगवान तो वन में ऐसे बिना पादुका, ये भरत जी को पादुका दी तो होगी तो दे दी, लेकिन भगवान तो ऐसे ही पग में पद त्राण नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि पादुका पर प्रभु का पैर रहे
सभी ऊर्जा पादुका में जाए। लेकिन व्रत को पादुका देने के बाद भगवान के सीधे चरण भूमि से संसर्गित है, पृथ्वी पर चल रहे, तो भगवान की समग्र ऊर्जा इनके पैरों से लगी रज में आ जाती है। और अब मेरी इच्छा है, लक्ष्मण कहता है, सब कुछ छोड़कर इस चरण रज की सेवा करो। रज की सेवा माने क्या? रज की सेवा माने सदगुरु की ऊर्जा का अंतिम जो रूप है उसका आश्रय करना। सदगुरु की समग्र आध्यात्मिकता का अंतिम रूप है चरण रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा अमी मूरी मई चूरण जो गुरु चरण रेणु सिर धरी। रज की बड़ी महिमा, महान पुरुष की चरण रज आदमी के तमोगुण को, सत्वगुण को, रजोगुण का नाश करती। तो रज की सेवा करने का मतलब ये मत करो कि कोई महापुरुष के चरण जहां पड़े हो वहां से मिट्टी ले ले। अब विज्ञान से वो सिद्ध करना बिल्कुल श्रद्धा का क्षेत्र में विज्ञान से सिद्ध करना ठीक असफल होंगे, लेकिन श्रद्धा का एक अपना। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जब समंदर जगन्नाथपुरी का समंदर की ओट होती थी, समंदर चला गया भरती ओट में, और जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते हुए कि जो पानी चला गया और जगन्नाथपुरी के समंदर तट की रेती पर जब चलते थे तो उनके पद चिन्ह रेती में हो जाते थे। अब ये पद चिन्ह उनकी रज उड़ जाए अथवा तो वो मिट जाए, इस श्रद्धा के क्षेत्र का मामला है, विज्ञान का नहीं। कहते हैं श्रद्धावान लोग कि अभी अभी समंदर चला गया है ज्वारा भाटों में, लेकिन चैतन्य के चरण देखने के बाद तुरंत उसमें भरती आती थी। और जब समंदर को पूछा जाता कि क्यों भरती है, बोले मुझे चैतन्य के चरण की रज प्राप्त कर लेनी है, मेरा खारापन मिट जाए, मानी मेरे भीतर जो कुछ बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए। इस श्रद्धा का विषय है, ताकि ऐसे समंदर आया हो ना आया हो उसी झंझट में मैं पड़ता नहीं, लेकिन श्रद्धा की बात कुछ और है। गुजराती में एक शेर है हमारे अहमदाबाद के शायर गुजराती जलन मात्री साहब का कि श्रद्धा न हो विषय तो पुरावानी शी जरूर। यदि श्रद्धा का ही विषय है तो उसमें सबूत की क्या जरूरत। श्रद्धा न हो विषय तो पुरावानी शी जरूर, कुरान माँ तो क्या है पयंबर नी सही न थी। सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरण की रज की सेवा करो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी महापुरुष की चरण रज को डिब्बी में रख करके बस हम घूमते रहे, ये भी एक श्रद्धा काम, लेकिन चरण रज सेवा करने का एक दूसरा अर्थ समझ लो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की भी सेवा करेगा तो कभी न कभी दासो हम तो अहम आ जाएगा, इसलिए लक्ष्मण दास शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं दास। तो भगवान अब मुझे सब कुछ छोड़कर ऐसे सेवा करनी है कि रज बनकर सेवा करनी है, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल तेरे चरण की रज, बस मेरा समग्र अस्तित्व समाप्त हो जाए, मैं रज बनकर हूं, कुछ नहीं, मैं एक रज मात्र हूं। सब तजी करो चरण रज सेवा। इतनी भूमिका करके लक्ष्मण जी पांच प्रश्न पंचवटी में पूछते हैं, कहूं ज्ञान विराग अरु माया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है,
जिस भक्ति के कारण जीव पर आप करुणा करते, वो भक्ति क्या है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रश्न पूछा है ईश्वर और जीव में अंतर कितना, ये सब समझाएंगे। और समझने के बाद शोक मोह और मेरा भ्रम मिट जाए और आपके चरणों में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो। इसलिए पांच प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन की पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा पूछे गए पांच प्रश्न, राम के द्वारा उसके जो उत्तर दिए गए वो हमारी समझ में उतर आए, तो ये जीवन की पंचवटी कृतकृत्य हो जाती है, धन्य हो जाती है। वैसे बड़ा गहन विषय है, लेकिन मैं तो सूत्र के रूप में समझा कर आगे निकल जाऊं। पहला प्रश्न ज्ञान क्या, दूसरा प्रश्न वैराग्य क्या, तीसरा प्रश्न माया मानी क्या, चौथा प्रश्न भक्ति किसको कहते हैं, और पांचवा प्रश्न ईश्वर में और जीव में भेद कितना। अब ये तो कितना बड़ा गहन विषय, गंभीर बना दे ऐसा विषय, और मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे तो छोटी सी बात में ये बात समझनी है और समझानी है। पहला प्रश्न ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, शास्त्र समझ में आ जाए वो ज्ञान, बहुत याद हो जाए पुराण ग्रंथ व्रंथ वो ज्ञान नहीं। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुझे थोड़े में सब बता दूं, और सुनो मन मति और चित लगा कर सुनो, अहंकार को हटा करके मन बुद्धि और चित, किसी को भी सुनो ना तब मन बुद्धि और चित से ही सुनना, अहंकार से नहीं। अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार भी आता है, अहंकार को हटाकर सुनना पड़ता है, मन से सुनना, बुद्धि से निर्णय करना और चित्त में संग्रह करना, ये श्रवण का विज्ञान है। सदगुरु संक्षेप में समझा देता है, थोड़े में बता देता है। सदगुरुओं का संदेश टेलीग्राफिक होता है, कम सुन बस, इसमें सब आ जाए। पूरा लेटर लिखो तो आएगा नहीं आदमी, जाएंगे, लेकिन एक टेलीग्राम हो जाता है कम सुन, तो उसकी गंभीरता सुनकर आदमी दौड़ पड़ता है। सदगुरु का आदेश ये बिल्कुल छोटा, थोड़े में सब समझाना, ये बड़ा कठिन है, थोड़े में सब समझाना। कई लोग सब समझाने में थोड़ा भी नहीं समझा पाते, सब समझाए लेकिन थोड़ा भी समझा निकलता कुछ नहीं, समझाए बहुत निकले कुछ नहीं। एक भाई अहमदाबाद में जरा रास्ता भूल गया, तो एक आदमी को पूछा उसने कि भाई ये जो बापू नगर है अहमदाबाद का एक विस्तार, वहाँ एक सिनेमा थिएटर है और वहाँ एक हमारे भाई कोई रह रहे हैं, वो जरा रास्ता बताओगे आप बापू नगर? उबर खड़े रहो, आप ऐसा करो यहाँ से सीधे चलो, घड़ी देख कर चलना, 5 मिनट तक चलो। अब वो तेज गति से चलेगा धीरे से चलेगा वो उसने निर्णय नहीं किया, 5 मिनट सीधा चलो, फिर आप जाओगे ना तो एक सर्कल आएगा, म्यूनिसिपैलिटी ने वहाँ एक फुहारा लगाया, अच्छा वहाँ से आप बाईं ओर दाईं ओर मुड़ जाना, और दाईं ओर मुड़ो तो दूसरी 5 मिनट बस चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, फिर एक शॉपिंग सेंटर आएगा, शॉपिंग सेंटर के पीछे एक छोटा रास्ता है, वहीं से आप सीधा निकल जाओ, वहीं से जाओगे ना सीधा दिल्ली हाईवे, सीधा दिल्ली हाईवे। दिल्ली हाईवे पर एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पर साबुन की जाहिरात है, ले फिर वहीं से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक पीने का प्याऊ है जहां पानी पी लेना, गर्मी है ना,
वहां पन पे। उसने कहा अब मैं जाऊं? अरे खड़े रहो, पूरा मार्गदर्शन करना है तुम्हें, सब समझा देना है। जिज्ञासा लेकर आया है धूप में, सब समझा दूं तुम्हें। फिर पानी पी करके वहीं से तुम निकलेगा ना, सीधा जाएगा ना, तो वहां एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में मत्था टेक कर आगे निकल जाना, कड़ा मिले तो खा लेना, फिर सीधा जा। करीब हूं आप, मैं आपको क्या बताऊं प्यारे, मैं आपको क्या कहूं। वहां 15 साल से एक छोटी सी रेकड़ी में एक गन्ने का रस पीलता है एक आदमी, 15 साल से बड़ा प्यारा गन्ने का रस देता है। एक प्याला गन्ने का रस पी लेना, ठीक पी लूंगा, मुझे छोड़ तो सब करूंगा। गन्ने का रस पीकर फिर बाई ओर मुड़ जाना, वहां अलका टॉकीज है, उसमें पाकीजा पिक्चर चल रहा है। वो पिक्चर न देखी हो तो देख लेना, वो बेचारा अपने ये चरा ये चराग बुझ रहे, ये चराग बुझ रहे मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं कोई मिल गया पिक्चर देखने का तो समय नहीं, मुझे तो जाना, तो ठीक है, तो फिर वहाँ अलका टॉकीज है ना, वहीं से खाली फोटा तो जोता जा जो। चित्र वित्र देखते जाना ऐसे, ठीक है, फिर सीधे सीधे निकल जाना वहीं से। एक छोटी सी गली है, वहाँ लाठी वाले की दुकान है, वहाँ 2 रुपये में एक लाठी मिलती है, लाठी खरीदना। अरे भाई मैं लाठी क्यों करूँ, बोले वहाँ कुत्ते का त्रास है, इसे लाठी लेकर, ठीक है लाठी ले लो। बस ये छोटी गली से लाठी लेकर निकलो तो एक हनुमान जी का मंदिर है, रोकड़िया हनुमान। बस हनुमान जी के मंदिर के पीछे से सीधा दाईं ओर निकल जाओ, सीधा। वो सोच रहा है कि मेरी यात्रा का नक्शा शुरू कहां से हुआ था, वो भूल गया। फिर सीधे आप जाएंगे ना तो दाईं ओर प्राइमरी स्कूल, बाई और बस स्टेशन, थोड़े आगे जाओगे तो खुला मैदान, वहां बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक, क्रिकेट में शौक हो तो वहां थोड़ा रुकना, फिर वहां से सीधे निकल जाए, सीधे। जूते चप्पल वालों की दुकान आएंगे, ठीक, भूलना मत मैंने जो कहा, पहुंच जाओगे आप। इस जूते चप्पल वालों की दुकान के पीछे जाओगे तो सिटी बस का स्टॉप आएगा, 70 नंबर की बस में बैठना, वो कहां ले जाएगी, वो वहां तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन 5 मिनट बस चले और दूसरे स्टॉप पर उतर जाए, उतर जाओ, फिर चलना शुरू करना। फिर 3-3 स्लम क्लियरेंस गवर्नमेंट के मकान आएंगे, 3-3 मजले के दोनों ओर, बीच में रास्ता, इसमें 9 नंबर का मकान बीच वाले मजले में, आपने जिस स्नेही का घर पूछा है
12 नंबर का मकान उसका है, वहाँ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं चलूँ? बोले वो अपना फ्लैट बेचकर देश में चला गया है, सौराष्ट्र में चला गया है वो। आखिर में स्वजन मिलने वाला नहीं था तो इतनी लंबी समझावट का क्या हेतु है? कभी कभी आदमी समझाता है बहुत, प्राप्त कुछ नहीं होता। मेरा राघव कहता है थोड़े मह सब कहूं बुझाई, शब्द थोड़े और कह देना सब कुछ। लेकिन ऐसी बात समझने के लिए मन बुद्धि और चित्त तीन होना चाहिए, अहंकार नहीं। थोड़े सब कहूं बुझाई, सुनहूं तात मती मन चित लाई, सुनहूं तात मती मन चित लाई, ज्ञान मान जहूं ज्ञान माल जह एक ब्रह्म समान देख सब। पांच प्रश्न और उसका जवाब देने के लिए भगवान तैयार होते हैं, लेकिन क्रम टूटा है। प्रश्न पूछा है ज्ञान, विराग, माया, भक्ति और जीव शिव का अंतर, लेकिन जवाब जब देते हैं तब सबसे पहले माया का चर्चा की। मैं अरु मोर तोर दे माया, क्रम तोड़ डाला। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी क्रम में प्रश्न पूछे, लेकिन सद्गुरु की बाध्यता नहीं कि उसी क्रम में समझाए, वो उनकी मौज है। हमें इस तरह ही समझाओ ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभु ने क्रम तोड़ा। पहला प्रश्न था ज्ञान, तो ज्ञान से शुरू करना चाहिए, लेकिन भगवान ने माया से शुरू किया। क्यों? भगवान का इरादा ये है कि एक बार माया समझ में आ जाए तो बाकी का सब समझ में आ जाए। माया की महिमा, माया की चर्चा आत्मसात हो जाए तो सब बातें अपने आप खुल जाए। इसलिए माया से शुरुआत करते हैं। मैं अरु मोर तोरते माया, जीवन काया जी बस जीवन काया। इतने कम शब्दों में माया का निरूपण करना, ये रामचरितमानस की अपनी विशिष्टता है। माया का वर्णन करते करते बड़े बड़े महर्षि थक गए। दुरत्यया जो माया है, अब उसका एक वो मिलता है कि सीता जी की गैर मौजूदगी क्यों है इस प्रसंग में, क्यों जानकी की गैर उपस्थिति में प्रश्न पूछा जा रहा? क्योंकि जानकी स्वयं माया है। उभय बीच सिय सोहति गए से, अब ब्रह्म जीव बीच माया। सीता जी स्वयं माया है और सीता जी स्वयं भक्ति सच्चिदानंद, सीता जी भक्ति हैं और माया की उपस्थिति में लक्ष्मण पूछे कि माया क्या, तो या तो जानकी को बुरा लगे या तो जानकी को लगे कि लक्ष्मण जी ये मूढ़ता, मैं खड़ी हूं और मेरे बारे में पूछ रहा है, तो आज तक मेरी सेवा क्या की उसने, भक्ति के बारे में पूछता, मैं स्वयं खड़ी हूं। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी तुलसीदास जी ने खास
यहां बताई। केवल छह शब्दों में माया का सटीक निरूपण, मैं अरु मोर तोर ते माया, छह शब्दों में छहों शास्त्र का सार है। सातवां शब्द नहीं है पंक्ति में, मैं एक अरु मोर तोर ते माया, छह शब्द में माया का निरूपण। मुझे कभी कभी होता है कि राम जी इतना संक्षिप्त करते हैं, तुलसी जी इतना संक्षेप में समझा देते हैं, तो मैं क्यों विस्तार कर रहा हूं? और संक्षिप्त करना चाहिए ना, ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं। माया 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 माया, कबीर साहब कहते माया महाठगनी जाने। लेकिन गोस्वामी जी छह शब्द, माया और कुछ नहीं है मेरे भाई बहन, ये मैं हूं और इतनी चीज वस्तु मेरी है, ये तुम हो और इतना तुम्हारा है, इसी को तुलसीदास जी माया कहते हैं। ये मैं मुरारी बापू और ये मेरी घड़ी, और ये हका और ये उनका हारमोनियम, ये जे भेद उसी का नाम माया। इससे ज्यादा माया का कोई निरूपण न करने की जरूरत है, न उस पर कुछ कहने की जरूरत है। जब तक मेरे और आपके जीवन में ये मैं हूं, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, ये परिवार मेरा, ये फला मेरा, मैं और मेरा, और ये तुम हो, ये परिवार तेरा, ये धंधा तेरा, ये मकान तेरा, ये मैं और तुम, मेरा और तेरा, ये भेद वाद ही माया है। जब मैं मिट जाए और मेरा मिट जाए, तू मिट जाए और तेरा मिट जाए, उसी समय माया अपने आप समाप्त हो जाए बस। लेकिन इतना बड़ा मुश्किल है। जनकराज वो महात्मा के साथ नदी में स्नान करने गए, तो महात्मा ने रास्ते में पूछा कि माया क्या है। जनक जी ने कहा कभी सोचेंगे, चलो अपने अपने पहले नहा ले। एक महीने से महात्मा जनक जी के घर मेहमान थे, खाए पीवे हुए आराम करे, न समय मिलकर सत्संग कर, ऐसे ऐसे वो करते थे। तो नहाने गए राजा और महात्मा, तो स्नान कर रहे थे, उसी में जनक राज का एक सेवक दौड़ कर आया कि मिथिलेश जल्दी आओ जल्दी आओ, आपका महल जल रहा। जनकराज नहाते रहे, दूसरी बार कहा बाबा महाराज जी आपका महल जल रहा है, फिर भी नहाते रहे। गए ना, महात्मा ने सुना, अरे भाई क्या बात है, महल जल रहा है। महात्मा दौड़े महल गए, आध घंटे के बाद लौटे, जनकराज अभी भी नहा रहे। जनकराजा ने कहा हम दोनों साथ में नहाने के लिए आए थे, आप कहां गए? बोले वो सेवक आकर नहीं चिल्ला रहा था कि महल जल रहा? बोले महल तो मेरा जल रहा है, लेकिन महल आप खां, लेकिन उसमें जो लंगोटी सुखाई थी। तब हाथ पकड़कर जनक ने कहा बाबा इसी भेद को माया कहते हैं, ये जनक ये आप, ये महल जनक का और अंदर जो कोपिन लंगोटी सुखाई है वो आपकी, मैं अरु मोर तोर दे। और ये व्याख्या हो सकती, इनमें से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। हाँ बड़ी मुश्किल बाबत है। मेरा आश्रम, मेरे चेले, मेरे आश्रित, मेरा धर्म, सब में माया पड़ी है। मेरा धर्म करके चिल्लाओ ठीक है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, लेकिन कट्टरता आ जाए कि ये मेरा मम सत्यम को युद्ध का पर्याय माना है। जब आप और हम कहें कि मेरा ही सत्य ठीक है, उसी में से युद्ध पैदा होता है, उसी में से संघर्ष पैदा होता है। मैं अरु मोर तोर ते माया, जे ही बस की जीव निकाल। जी
बस की जीव निकाया। मुझे भी लगता है कि ज्यादा क्या चर्चा करूं इसकी, आप समझ गए तो बात खत्म कर दो, ये मैं और ये मेरा, ये तुम और ये तेरा, बात खत्म। एक बार भर्तृहरि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्मशान में भर्तृहरि चिता की अग्नि पर एक खोपड़ी में दाल चावल डाल करके खिचड़ी पका रहा था। उसी समय स्मशान में ही क्रीड़ा करने वाले भगवान शंकर और उमा वहीं से गुजरते हैं। दोनों के बीच में चर्चा चलती है कि महान ज्ञानी, महान वैरागी, महान माया मुक्त कौन। तो ये भर्तृहरि को देखकर उमा ने कहा कि प्रभु उनके समान कौन मुक्त आदमी है कि इतना बड़ा सम्राट भर्तृहरि त्यागी वैरागी बनकर सबसे मुक्त होकर खोपड़ी के पात्र में खिचड़ी पका रहा है चिता की अग्नि पर। धन्य है उनके त्याग वैराग को। शंकर भगवान ने कहा कि देवी जल्दी प्रमाण पत्र मत दो। अरे बोले दिखाई देता है, सामने वाली बात है। बोले फिर भी परीक्षा करनी है। हाँ, तो दोनों ने वेश परिवर्तन किया, ब्राह्मण दंपति का वेश लिया। यहाँ खिचड़ी पक गई। भर्तृहरि रात के चांदनी के प्रकाश में जब वो खिचड़ी तैयार हुई और पाने के लिए तैयार, उसी समय ब्राह्मण के रूप में शिव और पार्वती भिक्षान देही करते। खिचड़ी दे देता है। पार्वती ने गर्वीली आंखों से देखा शिव के सामने, देखा है ना मुक्त पुरुष, है ना परम वैरागी, हाथ दबाया, चुप रहो। शंकर जी ने ब्राह्मण के वेश में भर्तृहरि को कहा कि हे महात्मा, हम आए, आपने खिचड़ी दे दी ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी मत दे दो, थोड़ा भी रखो, पूरा क्यों छोड़ देते हो। तब हंसता हंसता भर्तृहरि बोला, आप मुझे पहचानते नहीं, मैंने मेरा पूरा साम्राज्य छोड़ दिया है, खिचड़ी कौन काम की। तब शंकर ने कहा कि अभी उनके दिमाग में मेरा साम्राज्य घूम रहा है, इसलिए आदमी माया से मुक्त नहीं। मैं मेरा तू तेरा ये जब छूट जाए, तन मन धन सब है तेरा, ये भी छूट जाए, और तन मन धन सब है मेरा, ये भी छूट जाए, जो है बस, आ गए हैं प्रवाह में, दायित्व निभा लिया जाए। कठिन बहुत है, व्याख्या तो कर लेते हैं, बाकी मुश्किल है। माया की चर्चा बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन बाकी तो बहुत मुश्किल। मैं मेरा तू तेरा उसी का नाम माया है। लेकिन ये छह शब्दों की प्रबलता देखो कि जिसने पूरे जगत को वश कर रखा है, जीव निकाया, पूरी जीव सृष्टि उसके अधीन है। लक्ष्मण, इस माया के दो भेद सुनो, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या नाम की माया परमात्मा के बल से सृष्टि का निर्माण करती है। और अविद्या नाम की माया, माया ने जो सृष्टि निर्माण की है उसमें मूढ़ता से जीव को फंसा देती है। जा बस जीव परा भव, फंसा देती है। एक दुष्ट है, एक इष्ट है। विद्या नाम की माया जो ब्रह्मांड का सर्जन करती है, अविद्या नाम की माया जीव को सर्जित ब्रह्मांडों को ब्रह्मांडों में भुलावे में डालती है। ऐसी दो प्रकार की माया का निरूपण, विद्या मुक्त करती है, अविद्या बंधन में डालती है। इतना ही तो माया का इतना निरूपण किया। फिर आगे चर्चा करते हुए गोस्वामी जी बोले, एक नाम ज्ञान मान जा
छोटी छोटी सूत्रात्मक व्याख्या है। ज्ञान मानी क्या? ज्ञान का दो ही अर्थ। ज्ञान उसको कहते हैं जहां अभिमान बिल्कुल नहीं है और सब में ब्रह्म भाव से सबको देखता है, बस वो ज्ञान हो गया। फिर संस्कृत ना आए चले, अरबी ना आए चले, हिंदी ना आए चले, शास्त्र का श्लोक ना आए चले, वेद का मंत्र न बोल सके चले, केवल ज्ञान का एकमात्र अर्थ जहां बिल्कुल अभिमान शून्य हो चुका और सब में समान रूप में ब्रह्म का दर्शन करें, उसका नाम ज्ञान। बस सब कुछ आए लेकिन सब में ब्रह्म न दिखाई दे और मैं इतना जानता हूं उसका अभिमान हमारे दिमाग में हो, तो दुनिया की दृष्टि से हम ज्ञानी हैं, ईश्वर की व्याख्या में हम अज्ञानी हैं। हूं करूं हूं करूं एज अज्ञानता शकट नो भार जम स्वान। साचो सच्चा ज्ञानी वो है जहां बिल्कुल मानीपना नहीं, सरल तरल हो। हम लोगों को तो थोड़ा कुछ आ जाता है तो खबर नहीं क्या से क्या हो जाते, कुछ ना कुछ। मैं विनोद में वो छोटी सी कहानी नहीं कहा करता कि देहात के तीन ग्रामीण लोग पहली बार मुंबई गए, बॉम्बे गए, एक महीना बॉम्बे रहे, इस गांव में से कोई मुंबई तक नहीं गया था, पहली बार तीन गए और एक महीना बॉम्बे रहे ना, तो एक एक अंग्रेजी वाक्य सीखा है। एक एक व्यक्ति सीख गया केवल एक शब्द, यस, कोई भी कुछ भी पूछे यस यस यस, रहीम का दोहा पचा लिया, हाँ हाँ। अब ना कहने की बात हो तो भी यस कहे। और दूसरा था वो सीख गया वी आर थ्री, हम तीन हैं, और तीसरा सीख गया डोंट वरी, चिंता मत करो। और तीनों कविता की पंक्ति की तरह उसको बोलते और क्रम में चलते, जाए तो भी तीनों लाइन में ही रहते, यस वी आर थ्री डोंट वरी। एक महीने के बाद देहात में आए और बस अंग्रेजी में ही बात करे, कोई कहे कैसे हो यस, आनंद आया बंबई में, वी आर थ्री, अच्छा हुआ आ गए, डोंट वरी। कविता की पंक्ति की तरह रटे। तीन महीने में तो गांव तौबा कह गया कि ये अंग्रेजी कहां से आई। लोगों ने इन तीनों का नाम रख लिया। वो पहला निकले तो ए यश भाई आया, यश भाई आया, यश भाई। दूसरा निकले तो वी आर थ्री भाई आया, वी आर थ्री भाई। और तीसरा डोंट वरी। गांव त्रासी तो, और पुराने जमाने की बात, एक एक शब्द एक एक अक्षर आ गया, इतने में इतना उनको नशा चढ़ गया कि हम कितने अंग्रेजी भाषा के विद्वान बन गए। मुंबई रिटर्न, और गांव वाले तो बेचारे उनके साथ बोल ही नहीं पाते। छह महीने में तो तीनों ने गांव के बाहर तीन प्लॉट लेकर मकान भी एक साथ बनवाए, यस, तीनों मकान का नाम भी यस, वी आर थ्री डोंट वरी। जहां भी जाए साथ में तीनों निकले, बस साथ में ही रहे तो भी ये काव्य पंक्ति पूरी होती थी। भगवान को करना है, गांव में चोरी हुई और वो पुराना जमाना, फौजदार साहब, जमादार साहब, पुलिस कांस्टेबल, 10-15 पुलिस विभाग, आंखों खातू है। हाफ पैंट पहन करके, पहले तो पुलिस को हाफ पैंट ही था ना, हाफ पैंट ही था। पुलिस लाइन में जो बहन लोग रहती है पुलिस के परिवार के लोग, तो वहां वो टीन के बर्तन बेचने वाले जाते हैं ना, पुलिस तो ड्यूटी पर हो, तो वो बर्तन बेचने जाए तो छोटी छोटी बरनियां दे कपड़े के बदले में। तो एक बहन ने कहा कि हम इतना देते हैं तुमको कपड़े, ये छोटी बरनी क्यों? बोले आप भी तो हाफ पैंट देते हैं, पूरे कपड़े कहाँ देते हैं। पूरा
विभाग आया ग्राम पंचायत के चौरे पर और पूरा गांव का भी पहले के जब मैंने भी खुद ने देखा है कि गांव में जब पुलिस ऑफिसर जमादार फौजदार सब आए तो गांव के बच्चे घर के बाहर नहीं निकलते थे। गांव का चौरा 5 मिनट के रास्ते पर हो और रास्ता इधर उधर कुछ ना दिखाई दे तो भी घर का दरवाज़ा बंद कर सब बैठ जाते कि फौजदार साहब आए, इतना डर लगता था। अब फौजदार डरते, ऐसा पूरा परिवर्तित हो गया। तो सरपंच, ग्राम पंचायत का मंत्री, ग्राम सेवक, ढोर डॉक्टर, ये सब चिंतित हो गए कि ये साहब आए हैं, साहब का मुकाम, और हमको भाषा का ज्ञान नहीं, कैसे उनके साथ बात करेंगे। एक तो गांव में चोरी हुई, तब चौकीदार ने कहा कि वो तीन जो बंबई से अंग्रेजी सीख कर आए हैं, परम विद्वान बनकर जो आए हैं, उसको बुलाओ ना तो साहब के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो साहब भी चकाचौंध हो जाएंगे और हमारी पंचायत अवर्ग में आ जाएगी। हाँ ये बात थी। तो शिक्षक, चौकीदार, सरपंच, ग्राम मुखी, ये सब वो तीनों को बुलाने गए, तो साथ में ही रहते थे। प्रणाम के, आओ आओ आओ, कोई काम है? बोले फौजदार साहब, पुलिस विभाग पूरा है, गांव में चोरी हुई है और हम उनके साथ कैसे बोले, आप बंबई जाकर अंग्रेजी सीख चुके हैं और आपके मुख में कितनी सुंदर भाषा की वैभव है, तो आप साहब के पास आकर कुछ बोलो। तो हम तो क्या बोले, अच्छा चलो, इसलिए हम आपको कहते हैं गांव वालों को कि कभी कभी बाहर जाओ, थोड़ा सीखो, ज्ञानी बनो, जैसे हम है। तीनों तैयार हुए, यस वी आर थ्री, डोंट वरी, गए। अब चौकीदार, ग्राम मुखी, सरपंच, शिक्षक तो हो, ये तीन बीच में और ये चार उसको ला रहे। अब फौजदार साहब ने देखा तो उसको लगा कि ये कोई शकमंद लोग लगते हैं, जिसने चोरी की हो, ऐसे ये तीन लगते हैं, इसलिए ग्रामवासी उसको लेकर आए अपने रुआब से एकदम डंडा पछाड़ते हुए। फौजदार साहब ने इस तीनों को पहला प्रश्न पूछा, गांव में चोरी हुई है? तो जो पहला था वो बोला यस। अब एक बात तो पक्की हो गई कि कबूल हो गई। चोरी करने में कितने लोग हैं? दूसरा ज्ञानी बोला वी आर थ्री। पुलिस इंस्पेक्टर को हुआ कि ये मूड गुनाह भी कबूल करे, उसको डर नहीं। अरे कहा कि चोरी करते हो, तीन मिलकर चोरी कर रहे हो, पता नहीं कि चोरी का परिणाम क्या आता है, जेल में जाओगे। तीसरे ने काव्य पाठ पूरा किया, डोंट वरी। तीनों को अंदर कर दिए। मेरे भाई बहन, बंधन में डाले सो ज्ञान नहीं, मुक्त करे उनका नाम ज्ञान है। जहां अभिमान आया वहां ज्ञान की सत्ता समाप्त हो गई, और सब में ब्रह्म भाव न हो तो ज्ञान केवल, हमको तो मंदिर में ईश्वर दिखाई देते हैं, शास्त्र में दिखाई देते हैं, सत्संग में दिखाई देते हैं, हरेक व्यक्ति में जब हरि दिखाई दे, उसी को तुलसी ने ज्ञान कहा। कही यतात परम विरारी, तात सोई परम विरारी, तृण समसिद्धि, तृण समसिद्धि। हे तात लक्ष्मण, हे बाप लक्ष्मण, उसको परम वैरागी समझना, वैराग्य की व्याख्या करते हैं कि जो
तृण सम सिद्धि तीन ही गुण त्यागी। जो व्यक्ति तिनके की तरह समग्र सिद्धियों को छोड़ सकता है और सत्व रज तम तीनों गुणों से मुक्त है वो वैरागी, चाहे भवन में रहे चाहे वन में रहे, चाहे श्वेतांबर चाहे दिगंबर, चाहे कोई भी कपड़े में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, समग्र सिद्धि जिनकी तिनके की भांति छूट गई। लोन में आदमी बैठा है और खेल खेल में सोचता कुछ है और वैसे घास का एक तिनका तोड़कर फेंक देता है, वो कहीं जाहिरात नहीं करता कि मैंने घास का तिनका तोड़ा, दूसरी मिनट स्वयं भूल जाता है, उसको भी पता नहीं कि मैंने। वैसे समग्र सिद्धि तिनके की तरह छूट जाए और छोड़ने वालों को स्मृति में भी न रहे कि मैंने सिद्धि छोड़ी। और उनके पीछे काम करते ये तीनों गुण सत्व रज तम ये तीनों भी छूट जाए उसी का नाम वैराग्य है। वस्तु छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, ये वृत्ति निर्माण करने का नाम वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा बताओ। फिर गोस्वामी जी आगे बोले माया ईशन आप कहूं जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए जीव और ईश्वर में अंतर कितना। तीन वस्तु को न जाने उनका नाम जीवात्मा। माया की प्रेरणा से जीव को बंधन और मुक्ति का क्रियाकलाप करता रहे उनका नाम परमात्मा। बिल्कुल छोटी छोटी व्याख्या में समझाते, तीन की अज्ञानता उनका नाम जीवात्मा। माया ईश न आपका, माया क्या है वो न जाने, ईश्वर तत्व क्या है वो न जाने और खुद क्या है वो न जाने। तीन वस्तु की जिसमें अज्ञानता उनका नाम जीवात्मा। और माया को प्रेरित करके इस जीव को बंधन और मुक्ति का वो करता रहता है उनका नाम परमात्मा है। इतना ही फर्क है। फिर आगे आखिरी बात बोले धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना जाते अवलंबन सो स्वतंत्र अवलंबन जो संत हो ही भगति की साधन कहूं बखानी भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी
नाथ मागि प्रचरण खुद को खुदा को और दोनों के बीच में रही खुदाई इन तीन को न जाने उनका नाम जीवात्मा माया इस न आप का न खुद को जाने न खुदा को जाने और बीच में जो खुदाई है उसको न जाने उनका नाम जीवात्मा और माया को प्रेरित करके बंध और मुक्ति दिया करें वो परमात्मा जही बांधियो सोई छोरे तुलसी कहते धर्म तबीरति जोगते ज्ञाना लक्ष्मण धर्म से वैराग्य धर्म के दो फल है धर्म का एक फल है सुख समृद्धि और धर्म का एक फल है वैराग्य साधक पर आधारित है उसको कौन सा फल चाहिए तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील जो आदमी उनके पास सुख समृद्धि जाती है और धर्म का एक फल है वैराग्य धर्म तबीरति जोगते ज्ञाना योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति ये पूरा औपनिषदि क्रम तुलसीदास जी ने बताया एक बार नारद जी सनत कुमारों के पास गए सनत कुमार चार ये नारद पांचवा प्रणाम किया दंडवत किया सनत कुमारों ने पूछा कि क्यों आए बोले एक जिज्ञासा लेकर आया क्या कि मुझे शास्त्रों के शब्दों का पता है लेकिन आत्मा का पता नहीं है मैं आत्मा जानने आया आप मुझे आत्मा के बारे में कुछ बता सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हें क्या क्या आता है पहले बता नारद जी ने कहा मुझे सामवेद आता है अथर्ववेद यजुर्वेद ऋग्वेद उसके सभी षडांग सभी अंग आता है निरुक्त छंद व्याकरण सांख्य न्याय ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ आरण्यक जितने जितने सब नाम गिना दिए इतने पुराण इतने इतिहास इतने निरुक्त सब सब नाम तो तुम तो इतना सब जानते हो नारद बोले हाँ जानता हूं लेकिन आत्मा की पता नहीं आत्मा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ तो आप मुझे बता तो मैं नाम जानता हूं आप कृपा करके बताएं ये सब शास्त्रों के नाम मेरे पास है लेकिन मुझे शांति नहीं है आत्म शांति नहीं है तो आप बताओ कि नाम से श्रेष्ठ क्या है तो सनत कुमारों ने कहा नारद नाम क्योंकि कोई भी नाम वाणी से पुकारा जाता है वाणी न हो तो नाम उच्चारण संभव नहीं वाणी श्रेष्ठ अच्छा तो नारद जी ने कहा आप चारों बड़ी कृपा कर रहे हैं तो वाणी से श्रेष्ठ क्या है वो बताइए तो कहा वाणी से श्रेष्ठ मानवी का मन है क्योंकि वाणी में वो आता है जो मन में होता कोई छल करे तो बात और है कि मन में कुछ वाणी में कुछ बाकी हमारी वाणी में वो आता है जो हमारे मन में है तो वाणी से ठीक टीवी तो हम आप पूरा करिए बस पूरा करे और क्या थोड़े में बहुत कह दिया अब क्या बाकी रहा है बस इतना याद रहे तो भी बहुत है जरा गहन मामला है लेकिन उस पर तो एक पूरी कथा की गई है सिकंदराबाद में साउथ में राम गीता पर एक पूरी कथा हो चुकी है इतने सूत्र पर तो ऐसे ऐसे मुझे स्पर्श करना था लक्ष्मण जी के चरित्र को दिखाने के लिए मैंने आपको कहा था हमारे आदरणीय राधे श्याम जी रामायणी जी ने जो 32 धर्म के लक्षण रामचरित से निकाले वो मैं पन्ना फाड़ कर ले आया हूँ जो वादा किया था कि पन्ना फाड़ कर लाऊँगा सो वादा मैंने पूरा किया है तो वो मैं चौपाइयों से उसने जो गिनती की मुझे अच्छा लगा कि खोज है लोग मानस में डूब कर क्या क्या खोजे करते हैं तो इसलिए मैं आपको वो पढ़कर सूची बता दूं आपको वो लिखते हैं धर्म के विविध रूप
रामचरितमानस में महाकवि ने धर्म संबंधी अपनी धारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। आदरणीय प्रज्ञाचक्षु पंडित राधेश्याम जी रामायणी के रामचरितमानस से धर्म के 32 लक्षण जो निकाले गए उसकी एक सूची पत्र है, 100 में आपके सामने पेश कर दूं, क्योंकि लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी खोज करते हैं शास्त्रों में, शास्त्रों की विधियों में कितना रममाण करते हैं। तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना असेवा धर्म कठिन जग जाना। 32 लक्षण वाला धर्म मानस का, उसमें पहला धर्म सेवा धर्म, दूसरा स्वामी धर्म, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम हीना प्रभु स्वामी धर्म, तीसरा अरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। ये जीव धर्म, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत शम तनो तू मरा। कवच धर्म उसको कहते, कवच धर्म, वर्म धर्म, भूप धर्म, भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख मान। भूप धर्म राज धर्म जो कहो, स्त्री धर्म करहु सदा शंकर पद पूजा अनारी धर्म पति देव दू। फिर युग धर्म, निज युग धर्म हो सब के रे हृदय राम माया के। आठवां धर्म काल धर्म, काल धर्म नहीं व्या वही तारी रघुपति चरण प्रीति अति जाय। फिर वेद धर्म, जन रंजन भंजन कल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। दसवां धर्म वरण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर। वो वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लो चल ही सदा पाव ही सुख ही नहीं भय शोक नरो। बारवा धर्म राज धर्म सर्वस इतनो जीवी मन मनोर। ओ राज धर्म परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गय
तेरवा ये अहिंसा धर्म, चौदवा तदपि करब मैं काजू तुम्हारा अश्रुति कर परम धर्म उपकार परोपकार परम धर्म, चौदवा पंद्रवा पय धर्म दूध धर्म परम धर्म मय पय दुहि भाई अवटे अनल अकाम बनाई। सोलहवा धर्म सकल धर्म जो न होत जग जन सकल धर्म दूर धरनी धरत। चार चरणों से युक्त धर्म चार चरण धर्म जग मांगी पूरी रहा सपने हो अगना। अठारहवा धर्म धर्म ते बिरती योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। रामायणी जी ने इस धर्म का नाम दिया है विरति का स्रोत धर्म, जिस धर्म से विरति आदि निकलते हैं। उन्नीसवा धर्म धर्म गति धर्म दुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदु बानी। विश्वा धर्म धर्म सार समुजब कहब करब तुम सोई जोई धर्म सार जग हो। वशिष्ठ जी के वचन में धर्म सार। इक्कीसवा धर्म धर्म दल नित नव राम प्रेम पनु पीला बढ़त धर्म दल मन न मलीना। धर्म तड़ाक 22 का धर्म धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञान ये पंकज बिकसे विधिना। 23वां धर्म सखा धर्म मय असरथ जाके जीतन कहन चौबीसवा पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में धर्म अरथ धर्म कामादिक चारी ये पुरुषार्थ चतुष्टय रूप धर्म। 25वां धर्म धर्म से तू पालक तू ताता प्रेम विवस सेवक सुखदा ये सेतु धर्म। 26वां धर्म तामस धर्म करहि नर जब तक व्रत मख दान देवन बरसहि धरनि पै बये न जामहि तामस धर्म। 27 धर्म बोले जे सपने हो निज धर्म डोले। 28वां धर्म व्रत नर सहस्त्र मह सुनहु पुराणी को एक होई धर्म व्रत धारी। 29वां धर्म धर्मशीलता धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत हो। 30वां धर्म सत्य धर्म धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। 31वां धर्म शुभ धर्म जप तप व्रत जम नियम यपारा जय श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। 32वां परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं। धर्म की गति बड़ी गहन है अति गहन गति।
महाराज जी का ही परिश्रम था, तो मुझे लगा कि साहब चुन 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 कर उसने चौपायों में, तो ये 32 लक्षण धर्म की बात कल मैंने जो आपके सामने ये पढ़ने को कहा था, सो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। बस आप भी विश्राम करें, मैं भी विश्राम करूं, लेकिन खाने के बाद। भोजन तो भूखा नहीं रहना है, मेरा मतलब है मैं भूखा रहने को किसी को सूचना ही नहीं देता, तो आज की कथा को। लेकिन भोजन करने से पहले भजन अनिवार्य होता है, इसलिए हरे रामा रामा हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम की राम कथा को विराम दिया जा रहा है। कल सुबह 8:30 फिर से भगवत चर्चा भाव से बोलिए। राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु शुंडी जी महाराज की जय। आरती श्री राम जय जी। आरती श्री राम जय जी। आरती श्री राम गावत ब्रह्मादि करुणि नारद बालनी कबीर ज्ञान विशारद सुख सरकारि शेष सारद बरनि पवन सुत आरती श्री राम गावत वेद पुराण
रस चहु शास्त्र सब ग्रंथ को रस मुनि जन धन संकल को सर्वस सार अंश संगम गावत संतत शंभु भवाई अरुभट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि गर्ज बखान पार सुंदि गरुड़ आरती श्री राम कलिमल हरि शरस सुभग सिंगार मुक्ति जय सियाराम। मंच पर से सभी भाई बहन नीचे पधारे। अरे